वाइटेक्स एंड अर्थ प्रेजेंट्स वाद का गार्ड तो पता है साइन करने दीदा जो कहीं भी हो वरना कहीं नहीं भी हो आई नहीं पूछियो माने कहीं भी हो कहीं नहीं भी हो कहीं कर नो कहीं कर नो 10 जगह 50 दीदा तो ही नहीं तोड़ियो कहीं तोड़ियो भी नहीं और क्यों भी नहीं के और तैयार कर दी दो हमरा तो कंप्लीट अरे कई समस्या है वार्ड में समस्या है तो देखो बहुत कुछ है और नहीं देखो तो कुछ नहीं है आप देख रहे हो बताओ कहीं हाँ ये सब सामने है आप देखो कैसे यहाँ कोई ध्यान देने वाला नहीं है बोल बोल के थक गए हम तो पार्षद जी ने कभी किया कि नहीं किया पार्षद तो आई नहीं पार्षद ही कहते मीना भैया आई नहीं पड़ा कह रहे तो करना तो कहना पड़े नहीं पार्षद जी ने कहना तो पड़ेगा क्या पार्षद जी तो बटे रे पाड़े पाड़े रे तो कम फोन तो कर सको मन तो लगाता ही नहीं आवे कहीं फोन लगाऊं माने पार्षद साहब ने देखा ना वर भी गया माने वरस भी गया तो टीवी पे देख लिया करो नहीं वे तो रोज आवे फेसबुक पे ऑनलाइन अरे अटेंड काम करे ग्राउंड पे तो काम वे का टीवी पे कहीं टीवी पे कहीं मतलब टीवी माने मोदी जी ही रहा मुपया देऊं भी नहीं सफाई करे ही नहीं हां भैया ही नहीं धोन वो सफाई करे ही नहीं भैया दे तो सफाई करे क्यों नहीं करे आप क्यों नहीं धोन क्यों सरकार दे रही हां मुकनी रात दो अच्छा एक्स्ट्रा भैया हां एक्स्ट्रा भैया मांगे और पार्षद सक्षम है अपन पार्षद की को बोलते हैं पार्षद के तो आगे हमारे कोई सुनता ही नहीं है लाइट मैंने आपके सामने उदयपुर तो बना रही हुंड्रियन वगैरह बना रही नहीं नहीं सुनते सर हम तो कहते हैं कि वो नहीं सुनते हम लाइट के लिए भी उनको कितनी बार बोला है पर वो मेरे को क्या है दोस्त भी है परंतु क्या आश्वासन दे देते कि यार मेरे को दे देंगे मैं आपको दे दूंगा आप लगवा देना आपका हकीकत है ये अच्छा चार काम वाला आवे दो ठाला बुलावे दो नहीं चार ठाला बुलावे ला रहा है और दो काम वाला आवे और काम वाला भी ऐसा मरीज आता है वो कि उसको के ज्ञान में करे क्या मरीज कई बिल्कुल मरीज है वो एक महीने अगली बार अभी आओगे कभी तो हम आपको फोटो बता देंगे अगर पार्षद मोदी भी कहेंगे तो उसका फोटो बता देंगे आपको कुछ काम नहीं कर सकता और ऐसा आदमी आता है और चार जमादार आ जाते हैं उसके साथ में जमादार ने जमादार के ऊपर वो भैया हिराट तो भी बजे कई करेगा आप हमें नाकी नट जाएगा जीरो भी नहीं दो तो जीरो यूं कहने पड़े जीरो यूं करो जीरो बोलो जीरो अब दस में यूं तो नंबर तक है यूं तो कई कह सका तो ही कई कह दो नहीं अबे केवा में तो बोली मु जीरो के दो ही नंबर के दो पर वो अच्छो न लागे मारज में बोलवर पूरे ऑल इंडिया होने का थानी उम्र कितनी है मारी तो उम्र अब मसानम जावारी है अरे वो तो ठीक है अरे कई उम्र करा तो ये देख है कितनी उम्र अरे भाई साहब देखो के तो लिखे बता तो भोगमनो पड़े अबे मैंने एक बात बताओ कि थाने में अगर बेंजी बनो कई बनो अरे भैया मार तो कई नहीं बनो अरे बनो बनो मन तो चार अरे बनो बनो बेंजी बनो तो किन मिल जावे तो मु तो गंगा नहीं हमने कभी नहीं देखा यहाँ फंक्शन में इनवाइट होते हैं हमारे पार्षद महोदय तब यहाँ आते हैं बाकी कभी वो नहीं आए लाइट तो घड़ी आ रही घड़ी बंद हो रही है कैसा लाइट का जोगर लाल जी ने तो 10 बार बुलाओ तो भी एक बार आवे 10 बार बुलाओ तो बहुत ना बड़े वणा ने बुलाया टाइम ही नहीं वणा ने घुमवाओ नीचे खोदी ही किने अच्छा पाइपलाइन ना की नल रे पाइप ना की हटी वाका चुका वाका चुका हां लाइट तो आठ दिन बंद रहे आठ दिन चाल रहे 15 दिन बंद रही जा कौन है और कई समस्या सुलभ कॉम्प्लेक्स चालू नहीं भी माने नहीं भी हाल तो चालू नहीं भी और माने गिन्नी भाई रहे वो राशन कार्ड बनियो की नहीं बनियो भी बैठे आड़ी नदी में बैठा था कबा तो साल में मैं तो होली देखू होली देख। बाकी नहीं देखे हमने होली पे कहीं करा भी माँ लगा नाचे कूदे वीडियो बनावा आवे थाने पूरा दिन तो मेहनत करो हाँ। ना पता थाने सुख सुविधा सरकारी तरफ कोई मले कि नहीं मले सब मली रही झूला मारे मैं गर्मी
नाग में हाल तक रिबन नहीं कट रहा, नाग में हाल डीपिंग नहीं काटवा रहा, कोई नेता ही नहीं मिल रही होना, कोई नेता ही नहीं मिल रहा। तो चुनाव में तो आएगा नहीं, सभा करवा तो आवेगा आवेगा आवेगा, वो वंडी रोटा एक बार आवेगा आवेगा रोटा एक बार। एक नाम बोल दो। अरे उड़ा नाम भोगालाल जी, कहीं चोगालाल जी, कहीं भोगालाल जी नाम भी लो। एक बार आया तो दूसरी बार आओ तो पता ही नहीं। पर आज की तारीख में अगर वार्ड में गंदगियों के जनक भी कहा जाए तो उस बारे में कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। वार्ड में गंदगी को साफ करने वाला नगर निगम में स्वास्थ्य अधिकारी है। गंदगी साफ, वैसे इतनी गंदगी जितनी आप जोर से बता रहे हो उतनी है नहीं है। उनका कहना है छोगालाल जी हमारे से बात करते हैं और 10 बार हम फोन करते हैं एक बार फोन उठाते हैं, इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? 10 बार फोन करने में एक बार उठाता हूँ, वो आदमी झूठा है, चोटा है, उसके कीड़े पड़ेंगे। कुछ लोग कहते हैं साहब ये शौचालय की जरूरत नहीं है, लेकिन वो जमीन है एक समाज जो होता है बिचली गुवाड़ी पंचायत जी, वो जमीन पंचायत की है, तो पंचायत पूरी लिख के दे तो मैं तोड़वाऊं क्या? पुराने जमाने के लोग कई सारे होते हैं ना, बीड़ी और सिगरेट नहीं पिए तो उसकी लेटरिंग नहीं उतरती, आपने कभी सुना है? बिल्कुल सुना है। 2-4 बीड़ी पीते हैं फिर उसको मॉइस्चर बनता है और फिर उसका सफाई होती है। तो वो कई सारे बीड़ी पीते पीते क्या करते हैं, उसका ठूंठा हो जाता है तो उस फाइबर के गोल गोल लगा देता है खाना। तो वो तो बन रहा है अभी, क्या अभी कहां से फीता काट लेंगे हम? आप जाना शूटिंग करना, फिर बताना मेरे को वो कब तक तैयार हो जाएगा, वो कब तक तैयार हो जाएगा, ये बात पूछना आप सत्यनारायण स्वास्थ्य अधिकारी से। अरे यार मारे कोड़े यार, 2-4 पत्रकार रह गया, काली बावड़ी वालों ढूंढो नहीं है अपने? हाँ। जो पहली आप ही लेटरिंग है थोड़ा इन पाचों क्यों जल्दी बने? हाँ, 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 हाँ। आप क्योंकि 2-3 महीना में बन जाएगा, वो तो 1 साल हो गया यार। ओ भैया ये वो तो फंड नहीं आया भैया। अरे फंड नहीं आया तो ही जीना नहीं, क्यों तोड़ी बचे? नमस्कार, मैं मयूर अलवेला, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज, हमारा खास कार्यक्रम वार्ड का गार्ड सच करे तैयार। जी हाँ, वार्ड 57 में हम लोग आए हुए हैं और सबसे बड़ी बात इस वार्ड की है कि छोगालाल जी भाई साहब यहाँ के पार्षद हैं। तो छोगालाल जी भाई साहब के कार्यों से क्या खुश है जनता, क्या संतुष्ट है या फिर परेशान और त्रस्त है, जानेंगे जनता से, जनता से करेंगे संवाद, उनसे करेंगे बात। पर इस पूरे कार्यक्रम में जो हमारे प्रायोजक हैं वो है वाइटेक्स गंदगी को दो डाला और डायग्नोस्टिक सेंटर, और जनता से अब सीधा मुखातिब कराते हैं आपको, जनता से रूबरू होते हैं। तो वार्ड वासी हमारे साथ हैं आंटी जी। हाँ। था मुस्कुरा क्यों रहा है? वार्ड में फुल काम विरोधी क्या है? फुल काम नहीं वेरो भैया, आई आई रहे पत्रकार वाला और ये कहीं ना पार्षद सब आई माने पागल बनावे, यो काम करे दादा यो काम, ये सब न्यूज वाला ले लेने जावे, लेकिन काम कहीं वही नहीं रही होते। काम नहीं रही, कहीं नहीं काम भी हो, जो काम नहीं हो मैंने जो माने पचाड़ी ने कॉम्प्लेक्स होनी है तो को है वना माने बहुत समस्या मंडे वास्ते, माँ मना कर दियो माने नहीं छावे नहीं छावे नहीं छावे, जी छोगरलाल जी क्यों आप साइन करने देवो, महिला वाला सब साइन करी दीदा, माँ 50 साइन दीदा वेगा, छोगरलाल जी क्यों 10 दो, माँ 50 दीदा कि ये कॉम्प्लेक्स हट जाएगा। कॉम्प्लेक्स क्यों माने पूरा महिला में लेटरिन है कंडे जरूरत नहीं है, और सिटी रहा आवे और रात गुंडागिरी वे शराब पीवे कहीं करे सब पढ़िया रहे, तो यह मानी समस्या है अंडवाद मां यो छावा यो कॉम्प्लेक्स हट जाण छावे तो अंडा पता साइन करने दी तो जो कई व्यो बनना कई नहीं व्यो आई नहीं पूछियो माने कई व्यो कई नहीं व्यो कई कर नो कई कर 10 जगह 50 दी तो ही नहीं तोड़ियो कई नहीं तोड़ियो भी नहीं और क्यों भी नहीं के और तैयार कर दी दो हमणा तो कंप्लीट तो 50 जगह 50 दी दे की वणी बात तो तैयार होई गयो मारी बात सुनो मां तो वणी समस्या वास्ते दीदा मणे के समस्या कई है अंडा वास्ते देओ अणारे घर में पानी भरावे हांदा ईरा नीमा कमजोर पड़ रही है और देखो मणा एक जेंट्स लेटरिंग सही करवाई दीदा अंडे अलावा भी माँ क्यों के भाई साहब 6-12 लेटरिंग है 6 आप लोग औरतें निकाल लो 6 जेंट्स निकाल लो और जो एटिन लेडीज भी है कॉम्प्लेक्स वो हटाई दो ताकि वह हमारे भी जो भी पब्लिक है हमारे भी सुविधा और माने भी सुविधा ठीक है। यह भी समस्या मानी नहीं होनी माना कहीं नहीं होनी और साफ सफाई किस तरह कहीं नहीं साफ सफाई दिख रही है रोड देखो नहीं कहीं भी साफ सफाई पानी वानी आवे पानी ना रहा बिल कतरा ही रहा है पानी रहा तो पानी आवे लारा लारा बिल भी बनना टाइम लाइटर बिल बढ़ गया है नल रहा बिल बढ़ गया है
एलएनटी वाला काम करने गई कीधो माने कई कई और परेशान किया पानी तो नहीं निकले कभी पानी निकलियो हो पहला एक बार छोकरा जी आयो सही करवायो हो चंडे बात तो नहीं निकलियो हो धन्यवाद नहीं निकले मानी समस्या यही से बनाने बुलाओ तो आई जावे 500 फोन करा तो आवे 500 फोन करो तो आवे नहीं आवे अच्छा और कई समस्या है कचरा की गाड़ी वाड़ी आवे नालिया वालिया नालिया तो नहीं स्मार्ट सिटी में नालिया वाले तो नहीं है कचरा की गाड़ी आवे है मिला ये रोड वाली सही काम नहीं करे माने नहीं करे और मारी खास समस्या यही से कॉम्प्लेक्स माने जरूरत नहीं है कॉम्प्लेक्स की यहाँ जरूरत नहीं है क्योंकि सभी घरों में शौचालय यहाँ पर है और आए दिन कुछ गुंडा तत्व यहाँ अराजकता फैलाते हैं शराबी यहाँ बैठे रहते हैं तो मोहल्ले की बहन बेटी काफी परेशान है तो छोगालाल जी भाई साहब आपसे करबद्ध निवेदन है कि अना आप 10 साइन मांगिया अना 50 कराइन दीदा आप टूटा हुई जगह वड़े दी दो और तो कम कम वड़ने सही कवार उसको यहाँ से हटाने का प्रयास करें कुछ और लोग हमारे साथ हैं आंटी जी कई नाम है आप रो शारदा माली शारदा जी वार्ड में काम वाम वीरो की नहीं वीर काम तो वीर आप देख रहे हैं सब काम सब वीरा ही है टूटा फूटा काम वीरा नीरे बराबर काम है नीरे बराबर है तो थाने मोहल्ला में गई हूँ ड्रेस कोड है गई आज तो है ना अच्छा नहीं नहीं तो होली तो बार हवा वाली है अच्छा 11 से तो 11 से तो ना आज सब लोग सफेद साड़ी विद लाल पट्टी पहनी है अच्छा कई कहना है ना सफेद साड़ी लाल पट्टी वाली पागनियों पहनी हो आज अच्छा अबे बताओ क्या कहे वार्ड में सफाई वफाई बराबर हुए कि नहीं हुए एक दिन आवे एक दिन नहीं आवे गाड़ी देर हो आवे मोड़ी वेगी आवे लेकिन हमारा तो कॉम्प्लेक्स हटाना बस कॉम्प्लेक्स हटाना मेरे को ये पानी भरा गया कमरा खराब हो गया अभी तैयार कर रहा है बाहर अंदर पानी आया 1,00,000 रुपए लगे उन कमरों दो करवाए पानी बाथरूम पानी आपरे घर में नहीं आवे अरे बाप अब ये नहीं आएगा अभी नाली बंद हो गई यूं बोल रहे छोकलाल जी अरे पर बटा जो बाथरूम में पानी पड़े हुए तो बट ऑब्वियसली बात है घटा घटा तो जाएगा पास और ग्लू पानी टंकी का आ रहा है वो बाहर ही पड़ा है बाहर ही बदम हो रहा बिल्कुल पानी बंद गया वो बाहर से बिल्कुल पानी भींत में आ रहा है भींत में भींत आप देखो वहां जी नालू भींत पाछे पाछे बाथरूम में अति तकलीफ आपने पाछे पानी नहीं पड़े तो एक दान आप हमारी बात सुनो शारदा जी एक दान चैनल पे हाथ जोड़ो पहले कि छोगालाल जी भाई साहब बोलो छोगालाल जी भाई साहब और हाथ जोड़ने निवेदन है कि हमारा पानी अंदर मर रहा है इनको कोई समाधान करो इसका समाधान करो और कॉम्प्लेक्स हटाई दो हटवाई दो कि मास्टर वार्ड वासियारे आपको निवेदन है ये निवेदन है हमारे से और क्या करे तो छोगालाल जी भाई साहब बैठे लोग निवेदन कर रहे हैं हाथ जोड़ जोड़ ने शारदा जी आप हाथ भी जोड़िया है एक बहुजी पण ला रहे बहुजी हां जी अरे कई समस्या वार्ड में समस्या है तो देखो बहुत कुछ है और नहीं देखो भी कुछ नहीं है आप देख रहे हो बताओ कहीं हाँ ये सब सामने है आप देखो कैसे है यहाँ कोई ध्यान देने वाला नहीं है अच्छा कैसे यहाँ तो आ जाते हैं तो ठीक है कोई आ गया सफाई कर गया तो ठीक है नहीं कर गया तो कोई बात ही नहीं मोहल्ले वाले बोलते मतलब किसको बोले कैसा समस्या है ढूंढने की समस्या है बैक साइड की यही समस्या वो भी छोगालाल जी आप क्यों के नहीं कहते मना ने छोगालाल जी को कह दिया छोगालाल जी आए भी सही देखा उन्होंने सूर्य नगर परिषद के ना ये लोग भी आए थे सब साथ में उन्होंने बताई सब समस्या भाई ये करना है उन्होंने कहा हाँ साहब कर देंगे छोगालाल जी बोला उन्होंने भी कर देंगे हम ये भी कर देंगे सब करते कुछ नहीं सब कुर्सी पे बैठने वाले लोग हैं चेयर छोड़ी नहीं जाती है कैसे उन लोगों को मतलब भी नहीं उनको महीना होगा पेमेंट हो जाता है महीना होगा पेमेंट ले लेते उनको कोई तकलीफ है नहीं तकलीफ है तो यहाँ के रहने वालों को यहाँ पर तकलीफ है लोग तो अपना पिया ले ले ठेकेदारी पिया ले ले पार्षद भी पिया ले ले काम अटे वे ही नहीं रियो ओ आंटी जी हाँ आज फागड़ियों नहीं पहनियो चुंदड़ोड़ी अरे यहाँ सब पीछे सारा गंदा पानी आ रहा है हमारे दीवार के अंदर जा रहा था दीवार के अंदर जा रहा है सब दीवार बैठ रही है अरे अनी मुको अग्नि थोड़ा ना निकले जो दूर जा सब दीवार बैठ रही नीचे सब दीवार बैठ रही देखो भले अपन किवार तालो लाग रहे पर बोल बताऊं मैं अच्छा सर हां सारो पानी नीचे आई रहो पर नीचे वाला कमरा है हां हां बिल्डिंग कदी बेचारे गिर जा वंडा कौन है और मैं आधी आधो टाइम अटे रहूं नहीं मेरे मगरी में रहूं और कोई भी बेकार तो नफो नुकसान पड़ोसी तो मने ही कहेगा कि आपने थोड़ी कहेगा कि
दीवार एकली कहीं सपोर्ट नहीं, आगे पाचे कहीं भी सपोर्ट नहीं, और मानो कोई ये भी नहीं है घर में, बड़ो सदस्य कोई ये भी नहीं है, और मैं ध्यान रखांगी कहीं भी वेगा तो मैं जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार कौन है बच्चे? बच्चे प्रशासन वेगा जिम्मेदार, प्रशासन छोगालाल जी भी है। हाँ छोगालाल जी वे कैसे आवे देखे भाई, प्रशासन जिम्मेदार है, छोगालाल जी आप भी जिम्मेदार हो गए। कॉम्प्लेक्स जर्जर अवस्था में मकानों के अंदर पानी आ रहा है, पानी रिस रिस के कभी भी यहाँ पर दीवारें ढह सकती है, ऐसा आंटी जी का कहना। और आंटी जी ने कहा इनकी किसी तरह की यहाँ जिम्मेदारी और जवाबदारी नहीं है, प्रशासन उसके लिए जवाबदार है। कहा आंटी जी था सब छेटी क्यों कड़िया मार सब के काम ही नहीं भैया जो काम ही नहीं मार मोटी मकान ही उठी ने। अरे पार्षद तो एक ही है, गए गली अलग है तो कहीं भी मकान ही उठी मार मोहल्ले अच्छा मैंने बात थाने अटे काम बाम वीरो की नहीं वीरो मार वटी ने सफाई नहीं है, बस सफाई नहीं है। हां और को उगल वाडो वटे देखो अब चलो पता उगल देखो पहले लो पता लो वा अटे के गली गली में कंपटीशन बोलने कर रहा है, पूरा मोहल्ला की समस्या है। तो बोलो का मतलब यूं क्यों मारे बेटे समस्या है तो कहीं कोई नहीं बेटे साफ सफाई नहीं है बस। सबसे पहले तो मैं तमाम लोगों से कहना चाहूंगा कि ये झंडे हम यहाँ पर लगाते हैं तो उनका सम्मान भी हमें करना चाहिए। आंटी जी कहीं भी गिराए हुए आप देख रहे हो तो यार कमू का मनो सम्मान तो रखना चाहे, सिर्फ घरों पर लगाना हमारा मकसद नहीं है। तमाम जो सनातन प्रेमी अपने धर्म के लिए अपने प्राण नौछावर करने को तैयार रहते हैं, इस तरह से अगर झंडे का अपमान यहाँ होगा तो वो कतई उचित नहीं है। आंटी जी के साथ चलते हैं, सफाई का आलम यहाँ दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो हम आंटी जी घर के बारे में, हाँ आंटी जी ये घर रो गेलो आप रहे, ये घर का गेट है, ये गेट है और ये गेट है, ये देखो उगलवाड़ा को रहा है, ये देखो सारा देखो उधर ये देखो। अरे यार ये तो सुबह उठते ही कहीं देखे आंटी जी, कहीं कहीं देखे इन्होंने देखो अब आप। तो कभी पार्षद जी ने कभी सफाई कर्मचारी ने केवो के नहीं केवो, सफाई कर्मचारी ने केवो तो सफाई कर्मी ध्यान ही नहीं दे, कभी आवे ना कभी आवे ही नहीं, कभी आवे ना कभी आवे ही नहीं, आवे ही नहीं का ठिकाने नहीं। और बोला तो क्या कहो हम तो ये लेटरिंग का नहीं, ऐसा सफाई हम नहीं करते तो पचे कौन करेगा, ये तो बात है, अब क्या करो किसको कहो, बोल बोल के थक गए हम तो। पार्षद जी ने कभी कियो कि नहीं, पार्षद तो आवे ही नहीं, पार्षद ही करते मीना भैया आई नहीं, फिर कहते तो आवे ही नहीं, कोई पार्षद आवे ना तो कोई आई नहीं आवे। अच्छा मैं आज थाने अगर बेंजी बनूं, कई बेंजी बनूं टीचर बनूं ठीक है, तो था पार्षद जी ने कतरा नंबर दो दस मुँह कई नंबर देवान कई तो बताई दोन कतरा नंबर है काम वे तो केवा ही करे बणा काम तो के वे ही नहीं रोटे आ आदन आवे मीनाक्षी बाई ना कदी आवी नहीं आदन छुट्टिया में रेवे वे आवे हेला वेगार महीने तो वेगार वाला तो वे के हमार काम है ही नहीं है सबई करने का तो पार्षद आई नहीं आते ही नहीं है, पार्षद आवे ही नहीं आते ही नहीं है, बहुत कम आते, बहुत तकलीफ में वाक्य में यार बड़ी बहुत कम आते। सुबह देखो नहीं कतरी उगल वाड़ो दिख रही है सुबह, हाँ आदमी उठे भगवान रो नाम ले आका वाका मीचे नो देखे तो अटे तो भाई देख लो आप लड़के ना तो गेट खोल सका ना कहीं को नहीं है, देखो आप लड़के गेट ही नहीं खोल सका। अब कतरा बेंजी ने बनाया कतरा नंबर दोगा कई बेंजी बनाया जब दस मु कतरा नंबर दो चलो सात नंबर दे दोगा सात नंबर हरी को काम तो वेरियो कई देख लो आप मुंडे के काम तो ये देख लो। अरे तो नंबर बताओ नहीं पता था अगर फेल व्यवहारी का नंबर तो फेल व्यवहारी का नंबर दो पास हो वाला तो पास हो वाला दो। अबे काम भेजने ऊपर नंबर ही बात है भैया, अब तारीख में कैसी पाई गई पोजीशन है पास वाली पोजीशन है फेल वाली से दिख रही है हमने सात नंबर में तो पास हो गया आदमी फेल कटे हुए अब ये तो मैंने बात अनुभव नहीं है भैया लेकिन अनुभव नहीं है ये बात पर काम नहीं वही रहो टोटल काम नहीं वही रहो काम तो देख लो काम नहीं वही रहो टोटल मिला ही नहीं। चलो तो आंटी जी ने एक दान तो पास की दो एक दान बचो मुंडो कह दी दो फेल है साफ सफाई यहाँ पूरी नहीं है। एक आंटी जी और दिखा मैंने कब आंटी जी आप मुल्ला में साफ सफाई पूरी है कि नहीं ईमानदारी बता दो पूरी नहीं वे कदी तो वही जावे पूरी पर कदी नहीं वे कदी नहीं वे। और बाकी अटे कचरा की गाड़ी वाड़ी आवे गाड़ी तो आवे गाड़ी आवे सुबह और ये लाइटा वगैरह रोड की लाइटा वगैरह जो जालनी चाहे प्रॉपर जाले चाले अभी तो चाले चाले कदी बंद भी जावे कदी बंद भी जावे तो बंद भी जाए तो करने क्यों के नहीं क्यों था भाई कौन केवा जाए माना बूढ़ा मनक बापरी घटे जाए केवा तो करने तो केनो पड़े नहीं पार्षद जी ने केनो तो पड़ेगा क्या पार्षद जी तो वटे रे पाड़े पाड़े रे तो कम तो वटे केवा जाओगे मन तो लगाता ही नहीं आवे कई फोन लगाऊं तो ये काम है नहीं कई काम आवे मोटा मोटा मारी बात सुनो आज ये चैनल पे पार्षद जी देखेगा पूरो प्रोग्राम कई केनो थाने जो बताई दो बनाने नहीं मान तो कई नहीं केनो भाई सब ने व्यवस्था सही रखो अटे रोड पे
बस यो कह रहा हूँ सब व्यवस्था बराबर वेणी चावल लाइटा वाइटा जालने चावल सफाई बराबर वेणी चावल सफाई बराबर अबे एंटी जी गिरा बना रे बापड़ा रोज वे ये सब जना गंडगड़ा नहीं सब अबे वटे तो करे ही से बेचारे वटन तो करे ही से ये पूरी गंदगी वही रही है वो सुबह मित्रानी जी आवे वे साफ करे ही नहीं ये देख लो ये सब पड़िया अटे तुम्हें बापड़ा कई करे सुबह उठते ही देखे सब पहले आग सब आवे वो इस मुंडो नजरे आवे और देखे आ हा हा हां वोइस मुंडो नजरे आवे वोइस मुंडो नजरे ए हणा आडा ने को हणे बटे बात करो पण देवाओ अच्छा हां कर भाई तो एक देवा भाई हमारे साथ आ चुके हैं देवा भाई आपका साउंड तो काफी जोरदार है हां काफी जोरदार है अबे अटे वार्ड में काम जोरदार भई रहो कि नहीं भई रहो देखो अबार तक तो कई लाग नहीं रहो लाग नहीं रहो और कई व्यवस्था रे में कमी लाग रही बताओ व्यवस्था में सब कमी से भयो कई साफ सफाई साफ सफाई कभी गाड़ी आई रही है कभी नहीं आई रही है और सुबह कर्मचारी आवे साफ सफाई पैसा लेवन टाइम टू टाइम आवे गाड़ी वाला पैसा लेवा टाइम टू टाइम आई जावे कतरे पे ले 300 150 रुपए लेगा डेढ़ सौ रुपए लेगा चलो 150 रुपए लेने के बाद भी सफाई भाई बराबर नहीं होती बराबर नहीं होती बराबर नहीं होती माने पार्षद साहब ने देखा वर भी गया माने वरस भी गया तो टीवी पे देख लिया करो नहीं तो रोज आवे फेसबुक पे ऑनलाइन अरे अटे इन काम करे ग्राउंड पे तो काम वे का टीवी पे कहीं टीवी पे कहीं मतलब टीवी मारा मोदी जी रहा मोदी जी अबे मैं अपने आज टीचर बनू और छोगा लाल जी ने 4 साल रिपोर्ट कार्ड बनाना तो 10 मु कतरा नंबर दो छोगा लाल जी ने यार यो तो मुकाई को यार जटे भाई कई व्यू ही नहीं है तो बटा वाली चीज तो संख्या तो कोई मतलब ही नहीं है तो भी एक नंबर तो देना टीचर नंबर तो देवे जैसे 0 वे तो 0 देवे 1 वे तो 1 देवे 5 वे तो 5 देवे 10 वे 10 वे कार्य रे सब देखो जाए तो 3 नंबर भी नहीं दूं 3 नंबर भी ना अच्छा तो फेल हो जाएगा फेल होएगा 100% ग्रेस भी नहीं मिलेगा ग्रेस भी नहीं मिले अरे यार एटा तो दया हूं भी पास नहीं भेरा जोगेलाल जी भाई साहब अरे वो तनाव में चल रहे लोग आ गया तो वार्ड के अंदर आज पूरा दौरा आपको करा रहे हैं आप भी देखिए कि क्या हालात में लोग यहाँ पर जी रहे हैं और किस तरह से काम यहाँ पर हो रहे हैं तो एक ही आंटी जी हमारे साथ आंटी जी अरे वार्ड में काम हम वीरो की नहीं वीरो मार देखो लाइट बंद वे इतना मैं कह दूं चालू कर दे लाइट बंद और दूसरा काम मारे होगा ना पीपले से चंगा नहीं बस अच्छा मगर नहीं और कोई काम नहीं मारा बस ठीक है पीपली ने चंगा नहीं हाँ चंगा नहीं बस और बाकी सब भाई सब सब भाई मीनाक्षी भाई आवे जो करी जा बाकी वे घर वाला आवे जो करे बस बस अरे तो वेरी की नहीं वेरी आई जावे तो ठीक है मीनाक्षी भाई तो तनका मिलने जाएगा वे तो आएगी सर तो बचे जणी सो खाली फ्रेंड दिखे मीनाक्षी भाई फ्रेंड तो कोई नहीं है चाय भाई अच्छा पार्षद जी आवे कि नहीं आवे वे तो कदी की सावे बाकी नहीं कदी की सावे बाकी तो नहीं आवे काम बाम वेरो के नहीं अटे अटे वे भी रो मार मार देखो भाई मार जन्ना लाइट बंद है फोन करो भी चालू कर देवे ठीक है वे वे फोन करो छोकरलाल जी ने छोकरलाल जी ने फोन करो तो बना देखे ऑफिस में कनेक्शन लाग रहे लाइट रो कोई पता नहीं भेज दे भेज दे सही भेज जावे आगे में भविष्य में कर देना कर वाह ठीक है मार तो खाली पीपली संगे दोस्त और तो पीपली रे वास्ते फोन नहीं किदो कदिया नहीं किदो मैं हाल तक झूठ की बोलू केवायो बोले लेकिन किदो नहीं अच्छा किदो नहीं तो एक दान कर दो थाने फोन पे तो अतरी बात रखे वे वाह टीवी चैनल नु मई तो माध्यम कह दो मैं ऊंड लगा कई को माध्यम कह दो के वाह जी छोगेलाल जी भाई साहब ये पीपली छंटे दो मारे वाह छंगे बोल दो जाने में आ जाएगा केर मार पीपली छंगे दो के काम नहीं करे एक हरी के वेई जावे तो डाले हुदा ऊपर जावे डाला हुदा ऊपर जावे अबार अटी राटा बगा वेई रिया नहीं सब बड़ी वेई देखे हां राटा बगा वेई गया अटे तो अच्छा मैं थाने अगर वे मास्टर नहीं बनू आज बेन जी बनू तो छोगेलाल जी ने बना रहे 4 साल में जितना काम किया बना रहा साहब मार्क्स देना में तो कतरा नंबर दो 10 में कई नंबर तो मारते 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 ये लाइट बंद में ये लाइट बंद में वो जितना फोन करो चालू कर दे बस मारती हो गयो ये सुविधा हमारे पास अरे तो नंबर तो देना पड़ेगा नहीं कणन दो छोगा लाल जी ने कई नंबर दो बताओ था बताओगा टीचर था मैं थोड़ी ना वाह भाई के चलो बताओ नहीं कितना नंबर दोगा 10 मु नंबर दो नंबर मैंने पता नहीं पड़ गया था नंबर पता नहीं पड़ रहे हो अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनि मु देना कहीं भी एक भाई मानू मानू नीचे है वड़ा सब बहुत सब परेशानी के और मतलब मारा अतरे अतरे तो कोई बात नहीं हाँ तो कर ले कोई बात नहीं लेकिन बटे बटे बहुत परेशानी मारे होने पहले करो मारे क्या और मतलब ये बाप मतलब लेटरिंग हुआ उधर बटे बहुत परेशानी आई थी लोग भाग रहे बटे लेटरिंग आवनी बदबू आवे आप किसान मना कर रहे वही जाना पहले भी जयपुर का क्यों दीदी बटे बता लेटरिंग सब कोरोना में भी चलो तो आंटी जी ने बहुत अच्छा दिल यहाँ पर रखा बड़ा दिल यहाँ पर रखा
और अना क्यों के मारी समस्या तो कोई बात नहीं, लोगों ने नीचे समस्या गणी है वे सुलत नहीं चावे, तो आपके बड़े दिल से हम खुश हुए हैं तो आपको गिफ्ट हम देते हैं ठीक है। अरे गिफ्ट दे रही हूँ मैं तेने पर था हाल तक मार्क्स नहीं दीदा वाला छोगा लाल जी नंबर नहीं दीदा नंबर तो है। अरे नंबर वो नंबर नहीं चाहिए फोन नंबर, ये गिफ्ट है आप रे सुनो ये गिफ्ट है ठीक है। अरे घर साफ सफाई कर जो ठीक है बढ़िया साफ रहेगा। और मैंने एक बात मैंने एलएनटी वाला फोन नंबर है ये काम नहीं भी रहे कि मारो काम नहीं एलएनटी वाला मैं कितनी बार तो सबने कोई फोन करता पर होगा के दिन भर हेलो फोन तो करू सु एलएनटी वाला रे फोन कितनी बार किदो तो मैंने क्यों मारो काम नहीं एलएनटी वाला रो भी अच्छा बदी में फोन किदो मैंने अच्छा मैंने वो छोगा लाल जी नंबर दे दवे गिफ्ट भी आई है नंबर दे दो मारते काम में लाइट बंद है मैं फोन करूं चालू कर दे बस। अरे वो तो मैंने डट गई हो बे हां वो तो नंबर दे दो बस नंबर तो मानो जो नीचे है नीचे वाला सब काम करो नाले में पानी भेज रहे हो जो साफ भेज रहा काम कर चलो नाले में पानी बेहो साफ भेजा चाहे तो नहीं तो अटे रहू नही मारी समस्या मैं तो रहती नहीं यार तो कटे रहो था मैं तो रात कहते रहूं फिर मतलब तले तो आटे नहीं कर रहे बच्चा था आटे कहीं आया नहीं कर मार पी रहे हाँ आंटी जी आटे कहीं साफ सफाई आप सफाई वेरी की नहीं वेरी मीनाक्षी भाई तो होने भी नहीं नहीं होने हाँ वो तो कह रहे मीनाक्षी भाई बहुत हाउ है ना मारा सेंकड़ा रो कांटो आंकड़ो बंडे मीनाक्षी भाई करे करे भी नहीं अच्छा और बाकी सफाई थाने रे तो वे नहीं सफाई तो थाने तो सफाई है ही नहीं कहीं खुद करनी पड़े सफाई हां मैं करांगा मैं झाड़ू ले साफ चार हो जा ओहो और कई समस्या है लाइट वगैरह लाइट तो चल रही है लाइट चालू है कचरा की गाड़ी आवे हां आवे कचरा की गाड़ी आ जावे और पार्षद जी हूं और कई समय पानी वाणी निकल रियो हां पानी निकली रियो कई केनो पार्षद जी ने छोगलाल जी तो कभी आवे भी नहीं देखो साफ बात क्यों ना पहला तो वा समुद्री ने विदाता को बिठाने पेंसिल करू वणी के किदो पर कोसी मारी पेंसिल नहीं भी अच्छा हां पेंशन भी नहीं भी हां नहीं भी तो पेंशन के चक्कर में टेंशन में होता कई टेंशन है टेंशन कहीं सर्दी जुकाम मेरो है सर्दी जुकाम मेरो अरे पेंशन नहीं मिली तो टेंशन तो नहीं वेगी कटे नहीं भी नहीं भी पेंशन चाहिए रही है कई काम चावे माने तो थाई तो की रिया टेंशन क्यों चावे माने अरे पेंशन पेंशन हां पेंशन पेंशन चाहिए टेंशन नहीं हां मुझ में होनी टेंशन नहीं नहीं टेंशन नहीं पेंशन लो था चलो वा तो पेंशन की आपकी मांग है और साफ सफाई के लिए मीनाक्षी भाई को कहता हूँ मैं। अरे मीनाक्षी भाई ये अना रहे थाने लोग सरकार तनखा दे रही था जबरदस्ती लोगों को पया मांगो कई नाम है आप रो कंचन ये कंचन भाई की रहा इतना लोगों को पया मांगो गलत बात है पया नहीं मांगना अटे अटे थाने सरकार तनखा दे रही है ना कंचन भाई रेटे सफाई कर करो ये चार बजे बार बुआरा लेने जाएगा सफाई करेगा है कि नहीं कंचन भाई और थाने ये अना रहे पेंशन चालू करो टेंशन मत चालू करा दो पेंशन चालू करा दो क्यों और छोगालाल जी भाई साहब ने क्या हो गया आज विदावे ही नहीं तो कई क्यों तो वाणा ने बुलाओ था मैं यजमान बंदा आज बुलाओगे छोगालाल जी आजो भाई साहब मां तो बुलाता ही नहीं वा सुंदरी ने भी मां बुलाता ही नहीं वा कहती कि वा पुलगण में आई जा जो 10 बजे 9 बजे ऑफिस खुले 10 बजे तो 10:30 11 बजे तक बैठे सु पुलगण में मां वरा जाता अबे वणरो ठिकाणो तो ही नहीं मां कटे जावा वणरो ठिकाणो ही नहीं वणरो ऑफिस है नहीं गुलाबबाग रे बैठे मां तो जाना ही नहीं कटे गुलाबबाग गुलाबा कटे ये नहीं जानो गुलाबा तो जाना कटे ऑफिस है मां तो यटे नहीं जाना हां सुंदरी रो ऑफिस तो जानता हां सुंदरी रो ऑफिस तो जानता है एक ये आंटी जी रो पियर अटे है आंटी जी अटे पियर आओ था हां मतलब आओ 6 मिनट में आई भैया अरे पर मारी बात तो हां बटे राता खेत में थाऊ काम वेवे के नहीं वेवे हां मान तो राता खेत में हाउस में हाउस में हां अटे हाउ वेवे के नहीं वेवे अबे अटे तो मुके जानो मु तो रेऊ नहीं आकार हां मैं दिख रियो है का बस हाउस है का बे कई बार कई है खाली पिपली पाना तो पिपली तो करे छे नहीं पिपली तो पाना बाकी साफ सफाई वगैरह बढ़िया है हां और लाइटा वगैरह आई रही है अबे ये तो ये है भाई भाई कभी कहता होगा कि बहन मारे तकली बड़े सफाई नहीं भी भाई कई लेवा करे भाई छेट बटे मारो ठे ये तेल ले लो तो या चल ली क्यों चल लिया हाल तो रोटा वोटा तो खाई नहीं जाओ मां तो 11 से तो 11 से तो कांग नहीं रटा रे पुड़िया बनाओ खा ली थी दल्ली ली थी पापड़िया खाई ली थी अच्छा पापड़िया खाई ली थी वाह अबे भूसा सा जई रे घरे यूं नहीं वाह ठीक है। तो एक अनोखी चीज हमें देखने को मिली है कि थंबा जरूर है पर उस पर लाइट यहाँ पर नहीं है
छोगा लाल जी, किस तरह का स्मार्ट वार्ड आपने बनाने की कोशिश करी है और आपको दिखाने का प्रयास करता है, ये देखिए सिर्फ थम्पे यहाँ लगा के चले गए, लाइटें यहाँ पर नहीं लगाई है, तो लोग बाग अंधेरे में जीने को विवश है, यहाँ पर किल्विस का साम्राज्य है, ये पूरा अंधेरा कायम रहे। थम्पे ले गया बच्चा, ये लोड़ा भेज देगी वह तो। ये वार्ड वासी नारायण लाल जी माली साहब हमारे साथ है सर, तो वार्ड में काम वाम वही रहोगी नहीं? काम तो देखो आप, हमें पूरी गंदगी भी देखिए, कतरी बांडी शिकायत करी तो भी शिकायत और ये सफाई वाला है, तो यदि कोई दूसरा सफाई वाला आएगा वो सफाई करने ले जावे ही नहीं, वो तो अटे ना निवाड़ा नाक देगा, अटे बिल्कुल सफाई ही आज यार पर हम यहाँ गंदगी अतरी भी देखिए। अच्छा सफाई वाला मोड़ला रही पूरी गंदगी अटे नागने रहा, नागने पड़ जाए, यदि परमानेंट वालों यदि छुट्टी पे होगा जो टेम्परेली जो आएगा वो अटे नागने पड़ जाएगा, वो ले जाएगा ही नहीं। गाड़ी हमेशा आती है पर वो भी क्या कभी कभी उसके जो आवाज़ जो माइक है वो बंद रहता तो चुपचाप निकल जाता, तो लोग फिर क्या करते हैं वो भी फिर यहीं लाके डाल देंगे, घर में तो रखेंगे नहीं कचरा दो दिन तक। वो जनी पे बजे हाँ, वो गाड़ी पे जो गाड़ी वाला आता है ना वो जो गाना बजता है वो गाना बिगर गाने के जब बताइए चलो नहीं, वो गाने का मेरे को ये इतना एकदम याद नहीं वाला आया घर से कचरा निकाल के वो स्वच्छ भारत वाले की जो आवाज आती है तो लोग निकल जाते हैं, पर कभी कभी वो आवाज आती नहीं है तो क्या वो निकल जाता है तो लोगों के पास कचरा रह जाता पड़ा, फिर वो घर में तो रखते नहीं, वो भी यहाँ डाल देते हैं कचरा, मन का कतरी तकलीफ है। कितनी बार बोला सभी परेशान है, मोहल्ले वाले आसपास के सब परेशान है, पर क्या करें, नगर पालिका भी क्या करें और पार्षद सक्षम है, पार्षद की को बोलते हैं पार्षद के तो आगे हमारे कोई सुनता ही नहीं है। लाइट मैंने आपके सामने उदयपुर तो बना रही, हुंड्रियन वगैरह बना रही नहीं सुनते सर, हम तो कहते हैं कि वो नहीं सुनते, हम लाइट के लिए भी उनको कितनी बार बोला है पर वो मेरे को क्या दोस्त भी है परंतु क्या आश्वासन दे देते कि यार मेरे को दे देंगे मैं आपको दे दूंगा आप लगवा देना, इतना तक है। लाइट वाले भी लाइट जो आते हैं उनको भी बोला मैंने, खाली पोल पड़े हुए चार पोल, अभी हमारा पोल लगे रह गया चार पोल इस गली में खाली पड़े हुए, और उनको कितनी बार बोला है अपन, वो कह मैं ला के दे दूंगा मैं ला के दूंगा, उन्होंने आगे बोला भी होगा तो अपन को लगाते ही नहीं है, ये हालत है। सफाई की तो देखो 90% तो होती है पर 10% में रिवाज मेन रोड पे जो आप बोईवाड़ा बड़ी वाली सीमेंट रोड आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, उनको कितनी बार दोनों पार्षद को बोला, रुचिका चौधरी को बोला, इनको भी बोला कि आप कम से कम छोटे छोटे बैरियर बना दो नहीं तो हमारे को दे दो हम लगा देंगे, पर वो भी कोई नहीं। अभी परसों भी एक एक्टिवा बैरियर था, किस तरह लगी दोगे बैरियर तो बनेगा। अच्छा भाई हाथों से बनाया वही तोड़ दिए, हाथों हाथ बनाया क्या खराब, हाथों हाथ लाया रेती सीमेंट लाया, दशरथ मान जी निकले अंकल दशरथ मान जी पार तोड़ने रोड बनाई, हाथों हाथ लाके बनाया वो भी तोड़ दिए नगर पालिका वाले आके, और आए दिन एक्सीडेंट होते, रात को क्या समाधि तो जोर जोर से गाड़ियां ले जाते हैं, और अगर उनको कोई बोल देता नहीं तो दस जने दूसरे लेके आ जाते हैं उनके साथ बदतमीजी करते हैं। अच्छा। इसलिए बैरियर लगवाने करे, ये जो खाली पोल पड़े चार पांच पोल पड़े बड़ा पोईवाड़ा में उन पे लाइट लगवाने की आप करें। सफाई का ये है कि यार देखो इतनी गंदगी यहाँ डाल दी है, बोल रहा हूँ आपको आपके चैनल के माध्यम से चैनल के माध्यम से एक मिनट आपरे पास आऊंगा मैं, एक मिनट रुको आप नीचे आ जाओ, चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ ये सफाई करवा दे, नाली की सफाई आपके सामने है नाली है, और वो आते हैं तो मतलब एक तो कार्य काम करने वाला दो आते हैं और उसके चार उसके सुपरवाइजर थे और वो बैठे रहते हैं और वो भी बैठ जाते हैं, आपको हकीकत है ये। अच्छा चार काम वाला आवे दो दो नहीं चार ठाला बुलावे वाला ला रहे और दो काम वाला आवे, और काम वाला भी ऐसा मरीज आता है वो कि उसको के ज्ञान में करे क्या, मरीज कहीं बिल्कुल मरीज है वो, एक अगली बार अभी आओगे कभी तो हम आपको फोटो बता देंगे, अगर पार्षद मोदी भी कहेंगे तो उसका फोटो बता देंगे, आपको कुछ काम नहीं कर सकता, और ऐसा आदमी आता है और चार जमादार आ जाते हैं उसके साथ में, जमादार ने जमादार के ऊपर और भैया हीरा हट तो भी पैसे कई करेगा आप, हमें नाकी नट जाएगा, ये लोग भी परेशान है, ये आपके सामने का परेशान हो गए भाई साहब, था स्मार्ट सिटी का ही काम करवाइए ना, खाली सफाई होने से क्या होना है, यहाँ भी आता है सफाई करना चाहता है, सफाई करके यहाँ नीचे यहाँ पे कचरा डाल ये डाल देते हैं यहीं पे, यही सारा दिन बदबू से हम परेशान है, तो उसको मना करते हैं, बोलते हैं हमारे पास उठाने के कोई वो साधन ही नहीं है, और होता कुछ नहीं भैया, कचरा भी नहीं है, ये जो होता है ना ये सब वापिस चूहे, इतने बड़े बड़े चूहे हैं, उतना बड़ा बड़ा एक मिनट बाजी साइज बाजी बता, इतना तो नहीं बना, इतने हाँ उतना बड़ा बड़ा भैया, ये देखो आप में अरे हाँ तेरा झुको मत, देखो पूरे पोला करे हुआ है, ये चूहे यहीं से यहाँ भागते हैं ना, ये सब कचरा वापस अंदर जाते आता कहीं नहीं, मिट्टी कहाँ से आई, सही बात, यहीं की मिट्टी यहीं गिरती है और यहीं से निकाल के वापस यहीं डालते जी, इसका कोई सॉल्यूशन, इससे अच्छा स्मार्ट सिटी का काम हो जाएगा, तो स्मार्ट सिटी का काम होते ये चीज अपने आप अंडरग्राउंड हो जाएगी, तो परमानेंट सॉल्यूशन यहाँ पर हो जाएगा, लोग यहाँ पर काफी दुखी है, बार बार हमें ऊपर से देख रहे हैं, भाई साहब कहीं थाने भी दुखे गई
तो थोड़ा तेज बोल, अतने दूर में आवाज नहीं आवे, बोल तेज बोल, बोल गलो तेज, आ बोल। हाँ कचरा होता, बदबू आ रही है रूम स्प्रे रखे जा रहे कमरे में है, ठीक है। ये एक चाची और आई है, चाची हाँ बोलो 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 जो बोलो 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 इसमें क्या है, बोलोगे अभी इतना ही बदबू रही है, जब कचरा निकाल के हाथ डालते गंदे की उसकी बदबू, जब आग लगाते ना एक तो मुझे एलर्जी है, उस आग के धुएं से परेशानी बहुत आती है, अगर हम कहते आग मत लगाओ या उठा के ले जाओ तो बिल्कुल नहीं मानते, आग लगाई दे बस, ये पूरा कचरा अपने सूख गया ना एक साइड में करके आग लगा देंगे। चल और सर यहाँ पे जो सफाई होती है ना वापिस अंदर ही डाल के चले जाते हैं, थोड़ा तेज तेज सही बात, चलिए। तो कचरे का निजान यहाँ पर नहीं हो रहा, लोगों के कहना है कि कचरा यहाँ पर है, पानी जो गंदा पानी यहाँ बहरा है वो इन्हीं के घर में वापस जाकर इन्हें पीने पर वो विवश है। एक ये भाई साहब, ओ भाई साहब नारायण जेठिया, आपने मैं अगर टीचर बनाऊ मारसा बनाऊ आज और कहूँ कि 10 साल में छोगा लाल जी ने 4 साल ने नंबर देना, तो कतरा नंबर दो बना, 10 में 10 दूंगा, 10 में 10 10 ही दूंगा, बच्चे कचरे वगैरह दे रहे हो बच्चे, मैं 100 में 10 दूंगा मतलब, अरे 10 में देना है, 10 में 2 दूंगा, 10 में 2 हाँ 2 दूंगा, दोस्त है दोस्त में तो भाई, दोस्त है तो भी कही कर रहा, दोस्त भी नहीं उड़े, मैं अम्मा अवनान फोन कर रहा, दोस्त भी उड़े आप रहा, हम है नहीं ये उनकी इतनी अप्रोच है, वो वहाँ के सदस्य है, मेंबर है, वो मंत्री बनाए हुए, उसके बाद में भी ये हालत है आपके सामने देख लो ना, वो कोई बात नहीं है, सब सब पड़ोसी कह रहे हैं हमारी तरह, अरे आप कचरे नंबर दो, जीरो भी नहीं दो तो जीरो यूं कहना पड़े, जीरो यूं करो, जीरो बोलो, जीरो जीरो से भी जीरो, यार छोगा लाल जी था हीरो, अड़ा ताने जीरो मिल रहा है, कौन आवाज कर रहे हैं, अच्छा अच्छा आप कतरा नंबर दो बनाने, 10 में तो जीरो यू करना पड़ेगा, बहुत बड़ा जीरो, क्या मार्क्स देंगे उनको आज तक यहाँ पर आके, निजात यहाँ पर कुछ नहीं होता है, सिर्फ इन्होंने तो मीडिया कर्मियों पर भी प्रश्न उठा दिया कि सिर्फ रिकॉर्डिंग करके जाते हैं, निजात यहाँ कुछ नहीं होता, पर छोगा लाल जी भाई साहब से अनुरोध करेंगे कि इस रिपोर्ट को देखने के बाद निजात यहाँ पर लोगों का कराए। तो एक ये आंटी जी, अरे कई समस्या कही है वार्ड में, समस्या हमारे वार्ड में तो बहुत है, पर कहने को तो कुछ बहुत बातें हैं, मगर इधर लाइटों का तार है वगैरह और ये जो सड़कें बनी है ये स्मार्ट सिटी बने, कोई मतलब वाली बात नहीं, स्मार्ट सिटी को पानी गंदा पानी निकलता है हमारे, एक दूसरे से पड़ोस में भी झगड़ा होता है ना भाई, ये इधर का पानी झगड़ा लग करवा लग जाए तो भाई इधर उधर पानी जाएगा तो झगड़ा नहीं, फाइटिंग भी नहीं भी फाइटिंग तो नहीं, पर एक दूसरे में गुस्सो करे से मानो पानी बटी हटी हीरोइन और लेटर तार भी नीचे बहुत लटक रहा है, कोई बच्चा बच्ची आई जाए कोई हाथ लगा में तो लाइटा वाइटा जलेगी नहीं, वो लाइटा भी अधिकतर बंद रहे, मैंने गर्मी का मौसम भी शुरू हुआ नहीं, पर गर्मी का मौसम शुरू होगा तो हम कब कहाँ क्या करेंगे, और आगे फोन करते हैं तो वो सुनते नहीं, वो लाइटें बंद रहती है अधिकतर हमारे, कभी सुबह सुबह बंद होती है, कभी रात को बंद होती है, कभी रात को, अरे रोड की लाइटा, हाँ रोड की लाइटें भी बंद है हमारे इधर, बंद है, हाँ बंद है भाई, एक बार शिकायत करेंगे फिर ऑफिस दो चालू करेंगे, ऑफिस 2 महीने बाद में ऑफिस बंद हो जाएगी, हाँ बंद हो जाएगी। अच्छा बच्चे पार्षद जी अटे आवे कि नहीं आवे, पार्षद जी तो हम बुलाते हैं, एक फोन से तो आते नहीं, 10 फोन जाएगा, वीआईपी लोग का फोन जाएगा तो ही आएंगे, बाकी वो छोटे मोटे का लोग का फोन तो उठाते भी नहीं, वो वीआईपी कौन, नारायण जी वीआईपी, हाँ भले नारायण जी वो बोले कोई भी वो बनारे फोन, बाकी माँ छोटा मोटा गरीब लोग फोन करेंगे, हाँ हाँ करता रहेगा पर आएगा नहीं, हाँ इस करे, हाँ आवे नहीं, आएगा नहीं भी बात, वर्णा ने आज को गए छोगा लाल जी कभी हटे यही ने देखा करो, छोगा लाल जी कही कही दो
चैनल के माध्यम कोई तो होने का तानी बात तो भी आवत बड़े से मां बाकी माने कब रेवे भी माने कई करनो वाला ला रहे अभी भी आवे नहीं तो बस मां पज बाद में इन टाइम पे आवत बस मां माने बस गुस्सा आवे होने बस मां भी बना के कराई नहीं हुन भाई आप भी नहीं करो हां मां भी होने कराई नहीं बस भी केवे तो यो करो यो करो अच्छा मने एक बात बताओ के अटे अगर थाने में आज बेनजी बणो हां ने थाने को के छोगा लाल जी रे 4 साल रो रिपोर्ट कार्ड बनानो 4 साल वे गया बनान पार्षद बनिया ने हां वे गया अबे वणाने 4 साल वे गया तो वणाने कतरा नंबर तो 10 मु अब 10 मु यूं तो नंबर तक है बे यूं तो बे कई कह सका तई कई कह दो नी अबे केवा में तो भली मु जीरो के दो ही नंबर के दो पर वो अच्छो लागे मारे जो मैं बोलवर पूरे ऑल इंडिया होने का केवर मतलब तो बजे वणाने पे ठेस पहुंचे एक भी मारे समाज रा मारे ठेस पहुंचेगा जरी तो काम करेगा मारे समाज समाज रा ये महिला अरे ये समाज री बात करना वे तो काम री बात है समाज के करानी में खिंचाने कर रहे हैं तो आप पछे भी तो समाज के दी एक लारे वियो गई समाज तो माने कदी वियो भी ने भविष्य में और ना वेगा ये समाज तो माने कदे खाओ पियो एंजो वगैरह वे तो भले समाज इकट्ठा वे जावे कदे लड़ी बाकी कोड़े लड़ी झगड़ो वे दूसरों तो कोई बोलवारे काम नहीं वाला लड़ता वेगा यूं लड़ता वेगा तो मास्क दे तो कतरा मास्क दो बनाने मास्क तो कहीं नहीं दे सका मैं भले के रुक जीरो भी दे दो भी दे दो पांच दे दो पर अच्छो न लागे यूं बोल रहा है मन में कही जो बताई तो नहीं है मन में यूं खुलनो नहीं बोल सका अब क्यों वो चैनल के मारा खुद में टीवी में नहीं चलेगा सब ऑल इंडिया देखे तो अच्छो न लागे अच्छा यूं केवा मतलब अच्छा अच्छा नहीं लगे बाकी मन में हमें जाओ छोगला भी ज्यादा कतरा मल्लो वाला मतलब एक माने तो बारी इसमा सिटी में माने की कुंडिया भर जावे पानी बाद बार बार फोन करे आवे नहीं और ये कई मतलब वाली चलो बात आपकी सच्चाई आप अच्छे लगे हमें सच्ची बात करते हो आप और लड़ाई वड़ाई तो नहीं भी थाने अड़ोस पड़ोस में लड़ाई भी दिखे थाने भी मतलब लड़े तो नहीं भी पर एक दूसरे गुस्सा तो करे हाँ यहाँ आका दिखानी पड़े ए दारिया कहीं कर रहे आप भी तो समझदार इंसान है तो बता भी चौक भी भरो लेटरिंगा भी सीवरेज भरे जावे पानी निकले वगैरह तो बचे चलो वो आपने गिफ्ट दे रही हूँ मैं ठीक है अरे एक गिफ्ट लाओ गिफ्ट एक ये गिफ्ट मैं आंटी जी ने दे रही हूँ थैंक यू अरे बाहर ने सब वही नहीं रही है हाँ नहीं वही रही तो कम था नहीं हूँ घर साफ राख जो ठीक है ठीक है वो लेटरिंग का भी समस्या है लेटरिंग का भरा देते हैं वो आते ही नहीं वो कहते हैं भाई नगर निगम जान वहाँ जान आरएनटी वालों को तो कितने ही फोन करते तब वो आरएनटी नहीं एलएनटी आरएनटी तो अस्पताल है आरएनटी एलएनटी वाले जो भी मतलब वो सुनते ही नहीं अच्छा बोलो वाइटेक्स वाइटेक्स गंदगी को दो डाला तो हाथ किस तरह गंदगी को हाथ दो डाला तो एक आंटी जी खतरनाक आंटी जी मन दी नहीं आप देखो ना नाले के साफ ही नहीं हो रहे कितनी बार साफ कर दिए तो भी साफ नहीं हो रही हो तो कैसे मैंने बता मंदिर के पास में चलो आप तो बताओ चलो एक नहीं चार चार बार साफ कर दिए तो भी साफ नहीं हो रही हो तो गंदी गंदो कोई मच्छर नहीं है बीमारियां है क्या बीमारियां गर्मी है कबार तो कितनी बार फोन करा तो ध्यान नहीं लगा वे हाँ बताओ नहीं मंदिर ये यहाँ पर चार बार में जर्जिन साफ कर दिया खोल के साफ कर तो भी साफ नहीं हो रहा गंदी गंदी हो रहा है अच्छा आटे में पानी निकल तो रहा है अब आगे से क्या पता कैसे है गंद भी आ रही है भगवान तो आएगी ना फिर गंद और बच्चे बच्चे छोटे छोटे बच्चे बच्चे मंदिर के पास में छोटे मंदिर है ना ओहो लक्ष्मी नारायण जी आशीर्वाद राखो छोगा लाल जी ने थोड़ो ध्यान दिलाओ अटे ने को गटी आवे या बार कर दी नहीं करी साफ साफ करी साफ करी तो भी नहीं दादी हाउजी पूछो दादी हाउजी हाँ हाँ पानी काढ़ियो चच्चार दान हाँ तो साफ नहीं वही जो पूछो ना पड़ोसी ने अब माँ कहते जाना कोई नहीं तो मना फोन दा हाँ तरी पार्षद जी ने फोन किया छोगा लाल जी ने मत जा छोगलाल जी कई करेगा अटे वो कहेगा तो आई जाएगा अधिकारी तो जाएगा। ये ध्यान ही ना लगे तो कौन आएगी करे भाई आप वना ने वोट दे ने चुनियो वना ने वोट दी दो ना हाँ तो अबे मैं तो कोई वोट नहीं दी तो दादा मन तो या बूढ़ी बैठी तो वोट नहीं ना क्यों नहीं ना क्यों तो ये तो गलत बात करो आप वोट क्यों नहीं ना को देश का नागरिक नहीं हो गई नागरिक नागरिक कई कमाई दे दिया ना लो कमाई ने दे दिया भी बेटो भूखा बेटा तो को भूखा अच्छा मारी बात सुनो थानी उम्र कितनी है मारी तो उम्र अब मसानम जावारी है अरे वो तो उम्र करा तो वेख है कितनी उम्र अरे भाई साहब देखो के तो लिखे बता तो भोगमनो पड़े नी अब मैं उम्र बताऊं कई है बोलो अभी मो अबे मारू नी तो क्या नी तो बात तो की
नले मुँह साफ करूँ अबाणु मुँह हाँ साफ कर रही आनी उम्र में जल कई करा अरे यार छोगा लाल जी भाई साहब थोड़ी तो यार ईमानदारी दिखाओ लोग बाग इतना परेशान नहीं दिया वो छोरा हटे क्यों मने छाट दी तो हटे और ये आंटी जी हटे भाटे तो उगरी आनी उम्र में थोड़ी तो यार भाई साहब यार शर्म भरी बात है यार ये तो यार आप मना सीनियर ऊपर भाई साहब यार थोड़ी तो शर्म रखनी पड़ेगा कमो कम यार आंटी जी कई नाम है थानो जगनाथी भाई जगनाथी भाई अटे भाटो नहीं तो उगने जाओ अटे काल नहीं तारीख में सफाई वेणी जाओ भाई साहब ये निवेदन हूँ आप भाई साहब आप भी हटे सी रहो क्या तकलीफ है आपके वार्ड में क्या समस्या क्या अरे नहीं नहीं बोलनी पड़े अरे बोलनी पड़े यार जाना जाना है अरे बोलनी पड़े तो ये आंटी जी वार्ड में कोई समस्या है सीवरेज ब्लॉक रहती है यहाँ पे साफ सफाई का पूरा नहीं है ढंग का ये समस्या ज्यादा है आए दिन यहाँ तो ये पानी लीकेज की प्रॉब्लम हो ही रही है पानी लीकेज की प्रॉब्लम यहाँ पे रहती है चूहों ने सब तरफ पानी ये दर कर रखे अंदर तो उस वजह से क्या सब सीवरेज में मिक्स हो रहा है तो पानी ब्लॉकेज हो गया सब जगह पे ये प्रॉब्लम हो ही रही है न था ये जो बटे जैन को जो था ये गंदगी में के मन आज आठ दिन वे गया है मार जोरो बाबर बाल्टिया भर भर काढ़ी जो है भाई अब अनु कतरो पानी वे जा मन घर आंगने जो भांगरो यो पानी आवे तो मार घर आंगने वो आवे तो मार घर आंगने सब बटे पानी आवे और रात अटे अंदर और है कि उजाले लाइट जले अटे बांधे सड़क पर जले नहीं लाइट तो है ही नहीं ना जले गई नहीं बाटे नहीं खाने के रात दिखलो बंद हो जावे नहीं रात तो पर लाइट तो जले कमरा में तो आवे है बांधे सड़क पे सड़क पे आवे नहीं आवे हां वाह अबे मने एक बात बताओ कि थाने में अगर बेंजी बनो कई बनो अरे भाई मार तो कई नहीं बनो अरे बनो बनो मन तो चार अरे बनो बनो बेंजी बनो तो की ने मिलिया बे तो मु तो गंगा नहीं अच्छा मारी बात है बेंजी वणो थाने हां तो वो पार्षद जो है छोगा लाल जी हां वणो ने कतरा नंबर दो था दस मु कतरा नंबर दे कभी वार्ड में देगा छोगा लाल जी हैं छोगा लाल जी खाली थाने अरे समस्या भई रही तो कतरा नंबर दोगा अबे वणो ने कई नंबर था माना ने एक एक नंबर अरे यार वो तो फेल हो गया यार आप कतरा नंबर दो वणो ने एक एक नंबर इस हमने कभी नहीं देखा यहाँ फंक्शन में इनवाइट होते हैं हमारे पार्षद महोदय तब यहाँ आते हैं बाकी कभी वो नहीं आए यहाँ दौरे में कभी नहीं देखा हमने उनको दौरे में कभी नहीं देखा कहना वो आके पूछे कि कोई समस्या हो वो बोलते हैं मेरे वहाँ आके बता दिया करो अब हम वहाँ थोड़ी आएंगे आप पार्षद आप आओ हमारे पास में आप आओ ना हाँ यदि माँ ताने चूड़ी हो तो था हमारे पास आओ नहीं वोट मांगवा भी तो आई से रहो तो आप यू क्यों नहीं आई हाँ हाथ जोड़िया बना वोट मांगवाने तो रैली हुई ना हाथ जोड़िया हाथ जोड़िया यदि बोर्ड का मारना तो का बोर्ड देगा देख तो का बोर्ड देगा हाँ अच्छा वाह एक काम करो तो हमारा आशीर्वाद दे दो भगवान जीवता रो खुश रहो भगवान लंबी उम्र वदे भाई थारो बाल बच्चा जी तारा आप भी सतायु हो आपरी भी लंबी उम्र है नहीं भाई ढाकना नहीं खोलना पड़े थाने ना आपरे बड़ी छोरा ने ढाकना खोलना पड़े ना पार्षद जी आप रो सब काम कर दे असो माने निवेदन है भगवान थान जीवता रो करो मु तो काले परी जाऊंगा नहीं नहीं काले कटो जाओ अरे नहीं नहीं काले नहीं जाना वोट देवो जाना हाल तो वोट देना थाने नवंबर में पार्षद जी ने कोई सफाई वफाई करी की नहीं यहाँ पर यहाँ पे काम करी करी साफ सफाई बढ़िया है अच्छी है हमारे अच्छी है लाइटा वाइटा लाइटा तो घड़ी आ रही है घड़ी बंद हो रही है कैसा लाइट का घड़ी आ रही है घड़ी बंद हो रही है दो दो घंटे तो ही नहीं आवे हमारा उधर लाइट है नहीं आवे जब कहीं वोट देवे पीछे है वोट देवे अच्छा तो सुनो जा कर रहे हो तुम अरे मेरे नौकरी वाला बुला अरे सुनो नौकरी री टेंशन सब ने खाई रही है अरे वोट दो लाइटा घड़ी आवे घड़ी जावे यार ये एक भैया हमारे साथ है भैया क्या नाम है आपका मेरा नाम अब्दुल वहीद है अब्दुल भाई मुझे एक बात बताओ कि वार्ड में काम वाम हो रहा है कि नहीं हो रहा वार्ड में आप देख लो ये वार्ड में का काम दिख रहा होगा आपको तो वार्ड में कोई काम नहीं हुआ है और लाइटों से भी परेशान है आड़े दिन यार लाइटें रात की लाइटें दिन में लगी रहती है और रात में लाइटें लगी लगती नहीं है रात में लगी नहीं लगी दिन में जली दिन रात में नहीं जला दिन में जलती है दो तीन घंटे जली रहती है और रात में आप अंधेरे में रहो अंधेरे में रहो अंधेरे में रहो था वो शक्तिमान नाटक देखियो बिल्कुल देखा वनी में वो नहीं है तो किलविश जी देखियो काला गाबा में
अंधेरा कायम रहे। वो चुगालाल जी के वार्ड में अंधेरा कायम ही रहेगा। एक दिन करने हो तो अंधेरा कायम रहे। किस तरह अंधेरा कायम रहेगा? चुगालाल जी के वार्ड में अंधेरा कायम रहे। उदयपुर में सबसे बड़ी समस्या हमारे भोईवाड़ा में लाइटों के मामले में सबसे बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी हाँ। इसके अलावा यहाँ पे बिल्कुल ये है कि बहुत बेतुका कर रखा है इन्होंने। बेतुका काम बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। यानी कि चार साल में ये एक भी बार वार्ड में आके देखा ही नहीं इन्होंने। देखा ही नहीं। एक बार गंगोर में आए थे, वो भी हम आगे रह के हाथ जोड़ के इनको बुलाया, वो आए थे, बाकी तो आके देखा ही नहीं इन्होंने। देखा ही नहीं, बिल्कुल नहीं देखा। अच्छा, तो अगर मैं तुम्हें टीचर बनूं? जी ठीक है। टीचर अब्दुल जी, कैसा सब्जेक्ट है टीचर होना बता पहला तो ये बता। फेवरेट सब्जेक्ट कैसा? कोई सब्जेक्ट क्या है ये? कोई सब्जेक्ट नहीं है। कोई सब्जेक्ट नहीं। चलो मान लो टीचर बनना है तुम्हें, ठीक है। अब थाने छोगालाल जी की मार्कशीट तैयार करनी है चार साल में, तो कितना नंबर दो छोगालाल जी ने दस में? इनके तो नंबर तो अपनी तरफ से जीरो है। जीरो? जीरो, बिल्कुल जीरो। तो जीरो तो यूं कहना पड़ेगा, जीरो 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 जीरो। ये एक भैया हमारे साथ हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम कपिल माली। अच्छा, तो छोगालाल जी अटे काम वाम कर रहे कि नहीं कर रहे? छोगालाल जी तो दस बार बुलाओ तो भी एक बार आवे। दस बार बुलाओ तो बोलना पड़े वना ने बुलाया हुआ टाइम ही नहीं वना घूम वाऊ। हाँ, बट अतिक्रमण अतिक्रमण कभी तो कभी रो। अच्छा, आपको डर लगता है क्या उनसे? डर डर कहीं मात्र है तो डर कही रहा नहीं डर पा नहीं डर पा आवाज तो निकल ही नहीं दाड़ी। अरे हाँ नहीं डर पा, तेज माइक में बोलू कही माइक में बोली रहू। अच्छा मैंने एक बात बताओ कि अगर मैं ठाणे टीचर बनो तो दस मुँह छोगालाल जी नंबर देना? जीरो जीरो। पहुंचे यूं कहना पड़ेगा जीरो जीरो। बोलो जीरो जीरो जी। तो भैया आप हमें लेके आए यहाँ पर, ये जगह कौन सी है? ये लक्ष्मी चौक बड़ा भोईवाड़ा। अच्छा, वार्ड में थाने कार्यक्रम वगैरह वे? हाँ, ये अभी शिवरात्रि का प्रोग्राम हुआ था। अच्छा, जब एलएनटी की रोड बनी थी तब से ये मंदिर जर्जर है। अटे पूरा अतरो मोटो चौक है, कम कम 3-4 हज़ार स्क्वायर फीट रो चौक होगा यो। हाँ, अटे सिर्फ एक लाइट लग रही है? एक लाइट लग रही है। ये भी कभी लगती है कभी नहीं लगती है। अच्छा, कभी लगे? हाँ, ये इसको हमको सही करनी पड़ती है ऊपर चढ़ के डब्बी में से। अच्छा, बंद हो जाए? हाँ, सब कर ला सही, सब कर लो। अरे मंदिर की स्थिति ये मंदिर है अभी सही किया हमने शिवरात्रि के दिन। हाँ। रेती सीमेंट हम लड़कों लड़कों ने उगाए, वैसे सीमेंट रेती लाके सही किया इसको, बजरी डाल के सही कर ली तो। हाँ भाई, करना शिवरात्रि मिस्त्री हो गई मैंने एक बार बताटिया शिवरात्रि ही। अरे बैठे था अठा था सब कई, ये भोईवाड़ा में सब मिस्त्री रह गए ऑलराउंडर। हाँ था, ये सड़क का बैरियर भी बने दो, ये भी बने ऑलराउंडर, सब काम कर लो ऑलराउंडर। वाह यार, कैमरों भी चलेगा तो तुम्हारी भी नौकरी खा गई। और बस ये देखो मंदिर भी बताओ भैया आप। तो मंदिर का पीछे वाक्य में यहाँ पर तो ये किसने तोड़ा ये पूरा सब? ये तो ये एक काम की वजह से टूटा, एक एलएनटी वालों ने जो काम करा उसकी वजह से दर्दर हो गया पूरा। ऊपर फर्सी थी सब टूट गई, फर्सी वर्सी सब। तो मंदिर ऊपर कोई नुकसान दे रहे हो? रोड तो नीचे बना नहीं है? नीचे खोदी ही किन्ने? अच्छा, पाइप लाइन ना की नल रहा पाइप ना किया हटी वहां का चुका छोगालाल जी आवे के नहीं आवे? नहीं आवे। नहीं आवे? और सफाई कर्मचारी वो तो आवे? आवे सफाई वफाई वही रही बराबर। पानी निकल लियो देख लो, ये पानी तो धोवा के जगह जमी बढ़िया। अच्छा, खुद धो जो बाकी की तकलीफ नहीं? लाइटा वाइटा सब बढ़िया? लाइटा तो आठ दिन बंद रहे, आठ दिन चाल रहे, 15 दिन बंद रही थी। कौन होने? कोई नहीं होने, कोई नहीं। कभी फोन करो था पार्षद जी ने? भाई मोबाइल बनी था कि नहीं हूँ। अरे थाने घर में कोई करते हुए तो आवे कि नहीं उठावे कि नहीं उठावे? कोई नहीं उठावे बेटा, कोई नहीं करे, कोई नहीं करे, काम ही नहीं करे। तो आंटी जी बोलते नहीं नहीं, आप दो ही शकल अलग अलग है। बेना बेना लियो मामा परी। अच्छा, बेना बेना होता? हाँ। अच्छा मैंने एक बार बताओ, काम वाम वेरो के नहीं अटे? अरे सब काम कई वे अटे, मारे हाथ कचरो काट अटे, हाथ कचरो काट नदी गए अटे, सड़क पावे पानी ट्यूबवेल खराब है जाते बा मारो कई का नीति है जाना आवे अटे आओ करावा। अच्छा, और न तो गौ मिले मारे कई नहीं मिले, कई नहीं मिले। हाँ हाँ, पेंसिल मारा पेंसिल ही नहीं आवे मारा तो, पेंसिल नहीं आवे? हाँ हाँ। अरे पेंशन आवे, पेंसिल लगे करे? पेंसिल पेंसिल विधवा पेंशन। पेंशन वही तो मैं कह रही हूँ। हाँ, ये वही नहीं आवे, 5 किलो गेहूँ नहीं मिले बन तो। 5 किलो गेहूँ भी नहीं मिले? टक लो टक हमारा कोई कमा हो रहा है कोई नहीं। तो मैं पूछ रहा हूँ, पार्षद जी ने कहा क्यों कि मारे सब चालू कराओ सुविधा नहीं? क्यों भाई क्यों नहीं क्यों?
आज अगर थाने बेंजी बनो तो 10 मु कतरा नंबर दो छोगा लाल जी ने लंबर ही नहीं आयो थे लंबा कही दू मैं अरे 0 1 2 3 4 5 6 7 आपने जो कह जो बात मुंडा में कह रहा पैसा जो कह रहा मुंडा भी कह रहा हां बस थाने एक गिफ्ट देनो चाहू मैं गिफ्ट दूं ठीक है थाने तो कोई मन नहीं रियो मैं थाने गिफ्ट दे रियो वणियो घरे साफ सफाई राखियो था भांडे साफ सफाई करो बाहर घर ही वो है भांडे सफाई करा भांडे भी करो घरे भी करो हां घर हाउ चकाचक है चकाचक तो माने वादे थे अच्छा वा तो ये गिफ्ट है अनि और था बाथरूम बाथरूम साफ कर दो बढ़िया ठीक है तो एक दान बोलो वाइट एक्स वाइट है गंदगी को दो डाला तो वाइट एक्स गंदगी को यहाँ पर दो डाला कुछ और लोगों से बात करते हैं उनसे मुखातिब होते हैं तो आंटी जी हाँ बोलो अरे वार्ड में काम वाम वेरो के नहीं वेरो कहीं नहीं वेरो कहीं नहीं वेरो साफ सफाई सब कोई नहीं करे माँ काटे सफाई खुद ही कर दिया हाँ और कहीं करा सब कर आंगन सब 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 साफ करे कोई नहीं करे कोई नहीं करे कोई नहीं करे सफाई कर्मचारी नहीं आवे नहीं आवे बेबी आवे सुबह आधा ओटी का घर का दो बार अच्छा ये तो बहुत तकलीफ वाली बात हुई और लाइटा वाइटा लाइटर लगे कचरा की गाड़ी आवे आवे कचरा की गाड़ी भी आई दो गाड़ी पार्सल जी आवे कि नहीं आवे पार्सल जी मैं देखी कौन भाई देखी ही नहीं हाँ ठंड समाज रहा तो है ना माँ तो रात कार बोई है विराज बोई है अरे बोई तो है क्या कार गई वैन राज गई है पर केरू भाई केरिया अच्छा तबे बच्चे एक बात बताओ कि थाने वे अगर मैं बेंजी बनूं आज मारे नहीं बनने भाई अरे बनो सरी हाँ माननो है अगर सुबह नौकरी थोड़ा ना लाखनो जो अपना कटिंग जाओ ठीक है मारी बात होगी बेंजी बनो तो छोगा लाल जी ने 10 में कितना नंबर दो था मैंने आवे नहीं भाई नंबर अरे नंबर 1 2 3 4 5 कितना नंबर 10 तक है नंबर कितना नंबर दोगा बात नहीं करते अरे काम रे हिसाब वो नंबर देना है नहीं कितना नंबर दोगा पर काम नहीं करे भाई मारा काम नहीं करे हाँ ये आदमी पर काम ही नहीं कर कहीं मतलब तो काम ही नहीं करे मतलब नंबर ही नहीं देना जाना भी नहीं तो वाह यार आंटी जी तो मना कर दी तो नंबर दे बारे वास्ते मना कर दी तो छोगा लाल जी यार अरे आंटी जी अरे अरे वार्ड में काम वाम भेरो की नहीं भेरो काम तो कहीं हो रहा है सब आड़ी गंदी बड़ा हो रहा है देखो ना ये लाल लाल बोटला लगी रखी है नहीं भागे नहीं गए वो तो कोई नहीं भागता भैया एक दूसरे सब लगाते वो देखे मैं भी बोतल लगाते वो क्या मैं बोतल लगाते अच्छा एक दूसरे सब बोतल लगा रहे अच्छा अब ये बात बताओ काम मेरे की नहीं मेरे काम तो कहीं नहीं हो रहा है देखो ना आप ही बताओ कहाँ हो रहा है काम अच्छा और सफाई गर्म चाहिए नहीं आवे सफाई तो आवे सुबह आवे तो वो बच्चा गंदी वाला डाल दिया जा सब गंदी वाला खुद ही नाक दे खुद ही नाक देते अब किसको मना करे एक को मना करे दो को मना करे देखो ना सब पार्षद जी आवे कि नहीं आवे कोई नहीं आवे तो आई नहीं फरके ही नहीं आते तो कभी नहीं फरके कभी नहीं आते वो तो अरे कभी अटे आई ने फरको अटे भाई कई नाम है आपरो इंदिरा इंदिरा जी कह रहा है तो कभी आई ने फरके ही नहीं अटे पर ध्यान रखो थोड़ा और इंदिरा जी मैं थाने अगर अटियो छाए में आओ थाने यार वो बोल देगा तो नहीं नहीं आप बोलो थाने अगर मैं अरे पहला मारी बात तो सुनो थाने में बेंजी बनाऊं तो हां छोगा तो है बेंजी बड़े लगी आप अच्छा वहां बताओ कई तो कई की दो पहली पहल के आए जब हेडपंप बतायो मान गंदगी आई रही हेडपंप में बड़ा हुन के हां अम्मा आओ मैं लूंगा अरे था भाई वे नहीं क्या करो जात जात वे नहीं समाज रो ध्यान रखो तो कई मतलब है थाने ऊपर है वो सही बात है नहीं क्या बेरिंग लगाऊंगा इस गाड़ी आवे रपटन है तो क्या बेरिंग लगाऊंगा तो बेरिंग ही नहीं लगायो आल उदी ने पाछे नहीं फरिया भी आई ने पाछे ही कदी नहीं फरिया हां अच्छा कई मतलब ही नहीं रे अरे थाने में बेंजी वणो अगर अरे मैं तो बेंजी जो बेंजी हो अच्छा मारी बात तो सुनो बेंजी वणो तो 10 मु कतरा नंबर दो छोगा लाल जी ने
छोकला जी दीदा लंबर जदी आया छोका पे बैठ गया जईने छोका बैठ गया लंबर बना ली तो अच्छा पर तू भी एक नंबर देना पड़े कतरा नंबर दो कहीं नहीं देना अबे लंबर देना कहीं देना जीरो नंबर देवेंगे एक दो तीन चार पाँच कितना नंबर दो अना मेरी समस्या वे पाचो कही वे पाचो एक दान पाचो था गटे बिठाए बने ने अरे गटे बिठाए बताओ नहीं ओ आंटी जी एक दान बताइए लाख दान अच्छा मैं ये समस्या ज्यादा है गिफ्ट मैं चाहता हूँ गिफ्ट आंटी जी को दे आंटी जी बिल्कुल अरे मैं गिफ्ट दे रही हूँ था एक गिफ्ट आपने दे रही हूँ मैं अपने अपने वार्ड में अपने वार्ड में तो साफ सफाई नहीं है घरे तो है साफ सफाई मार तो अपनी टूटी झोपड़ी है वार्ड में देखिए सफाई है कि नहीं सफाई है कि नहीं है तो बट मारी बात सुनो बट और साफ सफाई रख जो ये अनु अनु साफ सफाई कर दो लो अभी ये चले जाओगे तुम कहीं कोई नहीं है गिफ्ट है अपने अनु साफ सफाई करनी है ठीक है सब एक दिन पहले होते तो छोकर लाल जी ने कटे बिठाओ कटे बिठा कटे अपन पाचा आई ने फरे तो सही के भाई हेडपंप की समस्या देखे जा बापड़ा कोई गेले चल तो पानी पिए कोरो गंदगी आई रही हाँ आई रही आई रही कहीं तो अन लिया बेरिंग भी छावे बापड़ा मन बच्चा नहीं खेले समस्या तो पहले पहली समस्या तो अपने ये सीवरेज की है जब से एलएनटी का काम चला उसके बाद ये हैंडपम्प में सीवरेज का पानी मिक्स हो के आ रहा है हमने कितनी बार बोला कि वो अभी तक उस समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ दूसरा यहाँ पर क्या है बेरियल की समस्या है बेरियल भी लग जाए तो गाड़ी भी बहुत फास्ट वगैरह आती है तो एक्सीडेंट का चांस ज़्यादा रहता है और एक हमारे बहुत भारी समस्या है कंट्रोल की जो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर कंट्रोल है और यहाँ से लेडीज़ वगैरह भी जाए तो कैसे जाए ऑटो करके जाए तो वो पैसे लगा के जाएगी जब आप बोल रहे हो 2 रुपये किलो गेहूँ दे रहे हो तो उसके साथ में आप या तो कंट्रोल घर घर दुकान नहीं खोलो पहले यहाँ पे कंट्रोल था अब किस कारणवश कि इन्होंने मिली भगत से वो बंद हो गया हाँ अब वो उनका लाइसेंस किसी दूसरे को दिया हुआ है तो हम चाहते हैं कंट्रोल भी यहाँ आ जाए पास में आ जाए तो लेडीज़ वगैरह को हमको किसी को असुविधा नहीं होगा ठीक है और दूसरा यह है कि भाई जब से ये काम हो उसके बाद कभी एक भी बार ऐसे नहीं है कि भाई पानी की समस्या मिली भगत में कोई आया कि भाई आज दिन तक साफ सफाई है कि नहीं है साफ सफाई चलो सुबह शाम और लाइट वाइट लाइट की व्यवस्था बढ़िया है लाइट वाइट हाँ, लाइट व्यवस्था अच्छा अबे थाने अगर मैं टीचर बनू तो छोका लाल जी नंबर देना है 10 में 8 नंबर हाँ 8 नंबर भाई साहब ने दिए और भाई साहब ने निवेदन करा है और एक बहुत अच्छा निवेदन इनका है कि मोहल्ले में रहने वाले जितने भी महिलाएं हैं तो राशन का सामान पहले यहाँ दुकान हुआ करती थी उसे 2 किलोमीटर दूर शिफ्ट कर दिया गया तो अगर कोई प्रबंध हो सके तो राशन की व्यवस्था की दुकान यहाँ पर की जाए तो ये भाई साहब हमारे साथ है भाई साहब कई समस्या है वार्ड में तो बहुत सारी समस्या छोकला जब से जीत गए तब तो अभी तक आए नहीं यहाँ पे वार्ड में एक दाणी नहीं आए कभी कभार आ जाते बस कभी कभी मौका मुहैया करके चले जाते हैं वापस आते नहीं है काम वाम करे कि नहीं करे काम तो अभी तक कुछ नहीं हुआ और यहाँ पे मोहल्ले में बहुत सारे आवार कुत्तों का है डर रहता है सबको काटते हैं बच्चे को अच्छा कुत्ते बहुत सारे हो रहे हैं वार्ड में अच्छा सबसे ज़्यादा समस्या कुत्तों की है कुत्तों की और साफ सफाई की तो गाड़ी आती है सुबह और बाकी साफ सफाई है कंप्लीट हाँ चलो और कचरा की गाड़ी भी आई रही लाइटा वगैरह लग रही है सब लाइटा वगैरह लग रही है वहाँ तो मतलब मेजर है आप रहे कुत्ता की समस्या है कुत्तों दनवर भटको भर दे बच्चा ने लाश डाल दे सब पे अटैक करते सब पे अटैक करे अच्छा तो अबे छोका लाल जी ने 10 में नंबर देना में तो कतरा नंबर दो था कम नंबर देने चाहिए ज्यादा देने चाहिए था बताओ टीचर था होगा मैं तो 5 नंबर दूंगा ज्यादा नहीं 5 नंबर तो कुत्ता 5 नंबर काट ली था 1 नंबर देता हूँ चलो अरे मैं तो और कह रही हूँ कि थोड़ा आते थे थाने के समस्या नहीं सिर्फ कुत्ते के नंबर बारे में अपना तो नॉलेज नहीं अंडा वाला 5 दे दो चलो ठीक है कहीं नहीं बच रहा 5 नंबर यहाँ पर दिए हैं कुछ और लोगों से बात करते हैं हाँ भाई जी कई समस्या कई थाने की समस्या कई समस्या नहीं है कई समस्या नहीं जल्दी मुस्कुराई दिया था
अच्छा वार्ड में काम वाम वीरू की नहीं वीरू बढ़िया वीरू है वीरू हाँ पार्षद साहब आवे के नहीं आवे पार्षद साहब तो वोट लेवा आया दीदी आया बाकी तो आया ही कोई नहीं बच्चों कौन आवे कभी भी कहीं वे तो यूं आवे थोड़ी महिला में कहीं वीरू कहीं नहीं वीरू कहीं नहीं आवे कदी गई जा तो भले मैंने बेंजी बनाऊ आज आपका सब्जी वाला नहीं हो बेंजी हो हां वो तो सब्जी से जो नहीं नहीं आज सब्जी नहीं बेंजी बन जा और थाने अगर नंबर देना हो पार्षद जी ने तो 10 मु कतरा नंबर दो 10 मु 5 5 नंबर चलो 5 नंबर यहां पर दीदी ने भी दिए हैं और कुछ और लोगों से बात करते हैं कि अब आंटी जी हमें दिखे आंटी जी अरे भाई जी घना परेशान दिख रहा था तो मने यार अटकई है के धमाल करता छोरा छोरी धमाल करता हां दारू पी पी बैठे टेन पर अरे बैठ जावे हां अटकई जावे ओहो वो कड़ा नहीं सेटर ही धक्का दे सेटर ही धक्का दे हां अब कहीं चल नहीं सकूं क्यों नहीं क्यों ले लेट है कहीं के नहीं सकूं बेटा मैंने होती रहूं जल्दी अच्छा बोल ही नहीं सकूं तो था पुलिस वाला ने कभी क्यों नहीं गई नहीं क्यों तो क्यों नहीं क्यों क्यों ही को नहीं सब सबर करी हां सब सेन करी है सब देखो सेन करी हां ये सब छोरिया भी देखो अरे सेन मत करो ये देखो नहीं इतना खतरनाक आंटी जी आई बार एक मौका में ढेर कर दे बनने पण ये कहीं मायने होती रु बाने निकलो अच्छा बाने नहीं निकली हां कहीं नहीं क्यों बिल्कुल बोलूं नहीं बोलो नहीं तो बोलनो चाहवे है कि यूं महीने महीने घुटाओ किस तरह काम चलेगा जब हका करीन पर जावेन वा कहीं नहीं बोलू तो कदी पार्सल जी अटे आवे कि नहीं आवे पार्सल आवे जो कोई हुने ही कोई नहीं पार्सल अरे पार्सल नहीं है पार्सल हो उंदा पर मैं कहीं कहू बेटा अच्छा वा ठीक है तो वे नहीं आवे कोई नहीं आवे अरे हैंड पंप वगैरह सब साफ सुथरा है हां तो यो हैंड पंप है जो पानी खराब आई रो पानी खराब आई रो हां हाउ करो बोले हाउ करो हां कई बात तो को हाउ करावर वास्ते को वणाने अरे अणि पे टीवी पे देखने बोल लो हाउ कराओ पार्सल हां हाउ कराओ पार्सल जी यो है के सब पानी पिए जनता सब पानी पिए जनता कई बात और हां जे जो बैठे वे भी पानी वाणी मिल ही सके बटो अब बच्चा यूं यूं खटखट करेगा कई कराए अब करने के के सकता एक ही आंटी जी इतना टाइम सेन कर रिया है अनारे घर रे बाहर ने ये दारू डेटे बैठे रेवे रात दे यूं खटखट करे अनारे अबे वो खटखट री परेशानी नहीं वेनी जावे और दारू डिया रे जरबा मेलो जरबा हुक्का हुक्का लठ दीजो कई ठीक है मु कई देऊं लठ अरे था मत देओ मैं तो लोगन ने क्या कानून ने कह रही हूं बुढ़ापो है बेटा कई कई नहीं कह सकूं था परेशान में तो थाड़ी मदद वेगा ठीक है बिल्कुल बोलू कोई आपरी समस्या रो हल लेगा बता आशीर्वाद मिल दो मारे बस आशीर्वाद है मारे महिला ने आशीर्वाद दियो दूर दे या आशीर्वाद आप वाह आशीर्वाद जो हेड पर भाव करे दो सब जनता पानी पे अपने सबरी सेवा अपने कई बात नहीं कई नाम है आपरो मोर नाम शांता भाई शांता भाई शांता भाई बहुत अच्छा लगे हमें ईमानदार लगे एक गिफ्ट शांता भाई को देना चाहते हम कई गिफ्ट नहीं चाहे बेटा भगवान एक गिफ्ट है आनंद है बेटा मार कई करू आपरो आनंद कई नहीं छेदो प्रभु श्री राम सबरो आनंद कई चीज का नहीं छावे तो ये मारी बात हुई गिफ्ट है आपरे वास्ते कई करू अन्ने कई साफ सफाई रे वास्ते जो पानी पोचा में पानी डालना है हां वणी पानी मिल ही दीजो हां लाड़े घर भी एकदम हां चकाचक रहेगा साफ पोचा मुई नहीं फेरू लाड़े फेरे हां लाड़े दे दीजो हम जाएगा वाह ठीक है कई नहीं कई बात व्हाइट एक्स हां बोलो भाई हां व्हाइट न्यू बोलू न्यू व्हाइट व्हाइट एक्स बोलो भाई व्हाइट टैक्स टैक्स गंदगी को साफ करो साफ कर डाला सही बात नहीं बेटा वाह ठीक और कहीं छेरो आप हरी का वाह आप हरी का जी तो ये कि आंटी जी की समस्या का सुलझरा यहाँ पर होना चाहिए और आए दिन असामाजिक तत्व इनके घर के बाहर बैठ के जो ये उत्पातियाँ मचाते हैं उनका निजातियाँ होना चाहिए और पुलिस प्रशासन से भी निवेदन है कि रात को थोड़ी सी गश्त इन मोहल्लों में की जाए ताकि बूढ़े लोग जो परेशानियां पर हो रहे वो परेशानी से बच सके अच्छा एक भाई साहब हमारे साथ है भाई साहब क्या नाम है आपका भवानी शंकर भाई भवानी शंकर जी तो वार्ड में काम वाम वीरो की नहीं वीरो कई वे भाई साहब यार मोहल्ला वाला पूछे तो सबके उनकी अपन क्या बोलेंगे भैया अरे पर वार्ड में था भी तो रह रहा हो का? हम रह रहे भैया करेंगे काम आदमी आते हैं इलेक्शन टाइम में आते हैं आप बोलोगे उसके बाद तो आते ही नहीं है आते ही नहीं एक बार आए थे
टंकी लगवाएंगे, इटली लगवा देंगे, इटली लगवा देंगे, ये लगवा देंगे, कर देंगे, उसके बाद कौन आया? कोई नहीं आया। कोई आया? कौन आएगा भैया? छोकर लाल जी आए भाई क्या? नहीं आया बेटा छोकर लाल जी तो बड़ा रस धंधो ने फुर्सत नहीं बनाने कटू अच्छा रस में फुर्सत नहीं बनाने अच्छा अटे आई ने देखे ही नहीं कभी। देखो ये वार्ड की समस्या भैया, समस्या सब परिवार को होती है, भले कोई एक जट समस्या होती है कोई नहीं बोलता है, समझ आती है तब इलेक्शन में आते हैं, हाथ जोड़ो चलो भैया हाथ जोड़ो तैयार हो जाओ, बच्चा कौन बोलेगा बच्चे बाद में? कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, गया टिकट दिया वोट नहीं किया राम राम बच्चे उन्हें आके भाई साहब कोई काम नहीं। अरे साफ सफाई मेरी कि नहीं मेरी? सफाई तो गाड़ी आ रही है, सफाई गाड़ी आवे लाइट वाइट लाइट अभी बंद है अरे लाइटा बैठा करा लाइटा बैठे चल रही अच्छी ठीक है। अगर मैं थाने टीचर बनाऊं भीतर थाने सगल टीचर हरी की है नहीं, नहीं कागज देख ली थी मैं आपने टीचर अलीपुरा में गया आप अरे मैंने बताओ कि थाने टीचर बनाऊं तो था कतरा नंबर दो छोगा लाल जी ने दस मुँह चार साल रहा मैं तो भाई साहब नंबर कने दो देखो देखो तो भी जेठ जी आवे तो बड़े बड़े अरे बोलो नहीं कतरा नंबर दो दो बस फेल भी गया तो फेल भी तो वीज हट रहा है बेचन करो खाली अतिक्रमण हटाओ ये करो हटाए रस बेचन अतिक्रमण हटाओ ये करो नहीं वो करो भैया ऐसे बोलते हैं वो तो ऐसे ही बोलते हैं था कभी फोन कितो बनाने मैं को करूँगा वही सब महिला वाला करेगा मैं को थाने के काम नहीं बनू क्यों काम नहीं थाने कभी हटा रस पीवर इच्छा में था तो एक आंटी जी हमारे साथ है हमारे दोस्त चेतन गाचा की मम्मी है आंटी जी नमस्कार नमस्कार भाई साहब अच्छा मैंने एक बार बता वार्ड में काम वाम वीरो की नहीं वीरो कहीं नहीं वीरो ना कोनी आई ने नहीं पूछो अच्छा ना बार भी कैसे कार्ड बनी रहा उस्मान कार्ड ने माँ मान आई ने कड़ी पार्षद सूचना नहीं दी थी कि थाने भी कहीं कार्रवाई करनी है थाने के कार्ड बनवा कहीं नहीं क्यों माँ दौड़ी नहीं लगा पाची आई थी कहीं 5-5 हज़ार लोन रही क्यों तो भी पार्षद तो कड़ी आई ने सूचना नहीं दी थी माने 5,000 रुपए भी नहीं मिल रहा नहीं मिल रहा अरे बाप रे बाप बहुत दुखी वाली बात है अच्छा अटे हां तो बात वही नहीं के अरे सफाई वफाई वे के नहीं वे सफाई तो आई थी ये बंगन दन में दो करीन जे रही सफाई और माने नल री बले सुविधा वे की अब यो पतो नहीं रमजान महीना खातर भी के हमेशा रे लिए भी अच्छा अब नल सुबह आई रहा माने अब आ रही रे हां और सुलभ को हाथ जोड़े नमस्कार कर दो धन्यवाद है हां धन्यवाद नल रो हां धन्यवाद नल रो वाह भाई साहब धन्यवाद नलरे वाला में अच्छा अबे और बाकी और कोई समस्या है अबे माने पूछो दसन तो चलो और कोई समस्या है सुलभ कॉम्प्लेक्स चालू नहीं भयो माने नहीं भयो हाल तो चालू नहीं हां नहीं भयो और माने गिननी भई रे वो राशन कार्ड बनियो कि नहीं बनियो नहीं बनियो भी बटे आरी नदी में बैठा था काबा जल समाधि नदी के बना नहीं नहीं बटे मेरो भरेरोज भी बटे गया मेलो भरेरोज बटे गया माने मेला में बैठा था काबा तो बना रे अबे कहीं राशन कार्ड नहीं बनियो हाल तक हां बना नहीं बनियो बापड़ी बहुत गरीब लग गई है और वंडो सब साथ दीजो था सब साथ दीजिए हाँ। अबे थाने में अगर मास्टर नहीं बना हूँ आज हाँ। आज थाने ये टोपला नहीं बनाना अच्छा। आज थाने टीचर हो कही हो टीचर हूँ मैं तो दस मुँह कतरा नंबर दोगा था छोका लाल जी ने अरे दादा का बात लगा बेटा तो एक नंबर दे दो कतरा नंबर अरे तभी तो साल में मैं तो होली रन देखू होली रन बाकी नहीं देखे हमें होली पे कहीं करे री माँ लगा नाचे कूदे वीडियो बनावा अभी बाकी नहीं बाकी मैं नहीं देखा बाकी नहीं देखा नहीं देखा कभी गांव रिवाज तो नहीं आवे नहीं आया अच्छा नल रिवाज चार दिन केवा गया नहीं आया नहीं आया और अबार भी आया न ताराचंद जी जदी बोले नजर आया जदी नजर आया बाकी नहीं देखा तो नंबर तो दे दो अरे दादा हमारे पास नंबर नहीं बना रहा अरे तो काले टीचर बना है तो वरना तो लिया रखो कतरा नंबर दोगा हां दे दो थाने हिसाब थी तो भी अंदाजन थाने हिसाब कतरा नंबर दो दो नंबर ले लो भले बना रहा था दो नंबर ले लेना हां दो नंबर दीदा यार आंटी जी तो दो नंबर दीदा यार तो अबे तबे तो कह रहा है होली पे सिर्फ नाच गानो देखो आवे अबे बाकी कई काम नहीं आवे का आंटी जी थाने अटे काम वाम मेरो के नहीं मेरो मोहल्ला में यो वीरन वाना रो काम और के भी अरे वाह अरे अटे साफ सफाई पानी वाणी थाने पंगा पंगा चालू है के नहीं है पानी सही दो सुबह सुबह पानी सुलभ कॉम्प्लेक्स चालू है कि नहीं है कॉम्प्लेक्स नहीं चालू नहीं चालू है ये ढूंढा वाला कॉम्प्लेक्स आज चालू करेगी अच्छा कॉम्प्लेक्स चालू कराना तो ये तो पिछला चुनाव में भी क्यों चालू कराना
हाल तक नहीं करायो नहीं करायो। एक दान हाथ जोड़ो, अरे पहले एक दान हाथ जोड़ो। हाँ कॉम्प्लेक्स चालू करी माने जोर कई एक दान अनार कॉम्प्लेक्स चालू कराओ। नहीं नहीं अबे थाई बोलो। अरे बोलो, अरे बोल लो बड़ा, अरे बोल लो बड़ा, अरे बोल लो। चलो तो वो ये कहा आंटी जी थाने अटे काम वाम भेज रहे हो कि नहीं भेज रहे हो? क्यों अबार नहीं बोल रहा था? आई बोले छोका लाल जी वोट लेवा आयो पचे कर नहीं आई नहीं पूछो कटे एक नहीं कटे ही नहीं पूछो साल। हाँ करने ही नहीं पूछो पांच साल वेवा गया एक दिन नहीं क्यों कटे कई हेड और सुलभ सोचा ला सुलभ बंद पड़ो तो वरना चालू नहीं कराना होगा बे चालू नहीं कराना चालू करावो नहीं तो क्या होगा तो चालू होगा चालू करावो के तो कहा क्यों तो चालू होगा पार्षद जी ने पार्षद जी वोट लेवा वो पांच पांच साल का सकल दी बताई एक दानी नहीं है गाचीवाड़ा में जा ये बाल के। अरे यार ये तो बहुत तकलीफ वाली बात है अतरी तकलीफ में लोग अटे पांच साल में खा सकल नहीं बताई वाणी क्या कमोला में कहीं बैरो एक ये का आंटी जी हाँ ये पूरा दिन एटे मेहनत करो न पते थाने सुख सुविधा सरकारी तरफ कोई मले कि नहीं मले सब मली रे लाकी देखे झूला माने महीने घर में झूला लाकी देखे माने झूली जा मा झूला नाकी रह गया रोज बनी में झूलो था यू झूला मा अरे पार्षद जी कभी आवे कि नहीं आवे अरे माँ करो नाम नहीं ला माने के घर रोटी थोड़ी है कि पार्षद थी ने नेता थी ने हाँ चला मैंने खावाऊंगा हाँ चला उन खाओ हाँ तो फालतू बोल लो बेकार बोलना बेकार हाँ। अरे तो सुख सुविधा चाहे अरे बाहर ना इतनी बदबू आई रही है सब आई रही है कहीं नहीं मातो रह जाओ आना मैं नहीं मारा मातो मैं तो भगवान है भगवान है हाँ। जो ज्यादा खा के चांदी प्लेट में वो मांदो है इन्हें हार अटे का आवे वो रह जा में आवे मार तो कहीं नहीं वे थाना कहीं नहीं गरीब लोग अरे कहीं नहीं वे कहीं नहीं वे हाँ तो ये पार्षद जी आना चाहे कि नहीं चांदी प्लेट में खा के वरना हार अटे का आवे नहीं मरे जल्दी मारे कहीं नहीं वे मारा गरीब और भगवान है गरीब और भगवान है। अच्छा मने एक बात बता तो ही अटे काम वाम नहीं वही रहो तो थाने कहीं दुख है नहीं कहीं नहीं केवा कीने कहीं नहीं केवा मात कीने कहीं नहीं केवा माने के कोने कहीं नहीं। अरे तो के होगा नहीं तो काम किस तरह होगा केवा ही नहीं धाड़ा बाने जाओ हमरा जड़ा कहने जाओ धाड़ा बाने धाड़ा बाने जाओ माने के मतलब हंगरा थी नेता ने पार्षद ने हंगरा कोई कहीं खावा थोड़ी दे रहा कहीं हो कहीं खावा नहीं दे रहा कोई खावा अबे मैं थाने अगर बहन जी बनू मने हाँ मने बहन जी बने तो था अरे था गिल्ली हो जाओ पेट थाली गिल्ली अरे गिल्ली क्या छोड़ो अरे थाली पेट अरे गिल्ली हो थाली पेट अरे पहला था वो अरे था उठो अरे पहला था वो ताले अगर बहन जी बनो तो ता कतरे नंबर दो बनाने वो तो बहन जी नहीं बनू भाई अरे यू मानो है वरना थोड़ी ना काले सुबह नौकरी थोड़ी ना लागना हो जो ये तो देख क्या ये जीव खा खा जाओ ना हाँ अच्छा बताओ दस मुख कतरे नंबर दो भाई मुख करी नहीं मैडम वालों ने मुख करे नंबर दो था वैना ने वादा करो अरे घर रो बेचा जो बड़ी बात है दूसरी नेतागिरी में कहीं नहीं रखियो तो एक नंबर देना हो तो कतरा नंबर दो ईमानदारी हो करने दो नंबर की पार्षद जी ने नंबर देना हुआ है दस मुख तो कतरा नंबर दो निकाले वादू कहीं लेवा दू हाँ बताओ तो सही कई काम की दो कि नहीं की दो कई काम करनो कई काम के लिए तो खाई जानी रहा खाई देखी रहा होगा नहीं तो बच्चे जैसी बच्चे बोल लो बेकार है आ को दर ने राम कथा वाच नहीं बेकार सब बेकार है सब मुझे उको के मारा हाथ पग चलता रहना चाहे मुझे उको हाथ पग चलता रहना नंबर नहीं दे रहा मतलब एक भी नंबर नहीं दे रहा माता का जाना ही नहीं कहीं जाना कोई भी वाणो नेता आई नहीं मारे के करनो मान तो हाथ चलेगा ना खाऊंगा हाथ चलेगा तो खाएगा हमारे गिन्नी भाई की फ्रेंड है गिन्नी भाई दोस्त था नहीं हाँ गिन्नी भाई बाहर ने मेरा में गई मेले में गई मेरा में गई अबे आप एक तो लेटरिंग तैयार करवाओ अच्छा और माने सुविधा है कि अपने पे कई सुविधा चाहिए भाई हाँ बताओ थाने कहीं चाहिए है माने तो एक तो लेटरिंग तैयार करवाओ हाँ और अबे माने अटे कई कहे तो कई कोई नहीं भाई छुट्टी कई नहीं कहीं नहीं हाँ न रही रहा न लही रहा हाँ सुबह न दे दा और माने लेटरिंग तैयार करवाई दो बस और कई नहीं चाहिए और कई नहीं और करने का साफ सफाई साफ सफाई बात नहीं ना भाई हाँ सी बात है करे करी जावे हाँ सब ने करी जावे और बाकी कंडे कई डिस्ट्रिक नहीं पार्षद जी आवे कि नहीं आवे पार्षद जी को
कोई नहीं आवे ना पार्षद वार्षद कोई नहीं आवे अच्छा हां कोई नहीं आवे पार्षद जी कोई झूठ बोले तो भले बोलो अच्छा आप सब जगह ने पूछ लो अच्छा बात ठीक है अबे मारी बात सुनो हां थाने गिन्नी भाई रो राशन कार्ड बनियो कि नहीं बनियो गिन्नी भाई रो राशन कार्ड हाल नहीं बनियो नहीं बनियो हां अबे थानी दोस्त है वे हां मारी बेटी से बेटी से हां अपन अबे हाथ जोड़ो एकदम के हाथ जोड़ने निवेदन है हाथ जोड़ने निवेदन है के मारे गिन्नी भाई रो मारी गिन्नी बेटी रो वो एक वो राशन कार्ड परो बनाओ फॉर्मूलो बनवाई दो भाई राशन कार्ड रो फॉर्मूलो बनाई दो हां और के साइंटिस्ट है के फॉर्मूला बनाएगा है बीपीएल कार्ड बनाना है अबे मारे वो बनवाई दो भाई वो कई कह रहे बार मरवा जीवा रो मरवा जीवा रो आय प्रमाण पत्र आयुष्मान कार्ड आयुष्मान कार्ड मरवा जीवा रो ना इलाज रो था वो करवाई दो वो करवाई दो अच्छा बस लेटरिन बनवानी नहीं लेटरिन तैयार भी की है चलो करवाई दो अपने सामारे सामारे गरीब आ रहे हो और कहीं नहीं और कहीं नहीं अबे साडा मैं बेन जी बनू हां बेन जी मने मना वड़ा पाई करूंगा अरे यू माननो है वरना नहीं है यू माननो हां वो बोलवा में हां और अगर साडे अगर पार्षद जी रो रिपोर्ट कार्ड तैयार करनो है वो मार्कशीट बच्चा ने अब फेल पास करा हां तो था कतरा नंबर तो बनाने फेल करो कि पास करो देखांगे तो पास करेगा ना बनेगा तो पास होगा नहीं बनेगा तो कहीं पास होगा तो अबार अरे काम में पास हुई रे कि फेल हुई रे कहीं पास है ना फेल है कोई कोई जिम्मेवारी तो है कोई नहीं कौन आई ना हमारी रो कोई नहीं हमारी रो कटे हमारी रो कौन हमारी रो बना डाट लगाई दो चैनल पे डाटो बना ने हां के माने कोई कोई नहीं आवे अटे हमारवा वोट ले गयो वोट ले गयो यार था यार वोट ले जा जोगालाल जी अटे आए तो करो यार ये आंटी साइन तो करना जोगालाल जी साइन करना कटे वो पार्षद ला मु अबार बेटी मारा साइन करवाना पोता रे छोरा रे साइन भी नहीं करे कटे करे बोले हे तो ही नहीं ने लादे कोई नहीं दुकान पे दुकान पे भी नहीं लादे हां नहीं लादे ये हाटर री जूस री दुकान हां हां यहां नहीं लादे शांतिलाल लादे मारे शांतिलाल लादे हां सुगालाल नहीं लादे नहीं लादे वो लादे कोई नहीं अच्छा अच्छा मानियो करवाना स्कूल रे काम करवाना है तो पासद रे साइन चावे यो तो कदी मोहिला में नहीं आवे भाई कदी नहीं आवे हां हां कोई नहीं आवे अरे तो एकदम मैं कह रहूं थाना डाटो चैनल पे आज के भाई सुगालाल जी नहीं आवे अटक ने हमारवा के कई करी रहा के कई नहीं करी रहा आओ एकदम आओ एकदम अटक एकदम आओ सुगालाल जी सब ने हमारी ने जब कई करी रही हां सब कई करी रही है गमु गम आओ तो सरी हां ये नन्ने एक मारो बेटो कोई चटाका पटाका खाई रहा हां तो बोल हैं कोई खाई रहा चटाका पटाका बटाका बनेगा बटाका बने एक आंटी जी और है माने ला रहे आंटी जी हां काम में बैठे हो कि नहीं मोहल्ला में मोहल्ला में सब काम वगैरह सब बढ़िया बैठे नल भी बढ़िया आई रहा ताने भाकू भगवान ना आगे बढ़िया ताने तरकी वे पण माने आटे एक सोसल हम पानी नहीं आई रहो चालू करवाओ बेचारा माने मेहमान लोग आवे कटे जावे बस यही प्रॉब्लम रहेगी यही प्रॉब्लम रहेगी हां सब हाँ, सब बेचारे यात्री लेडीज बैठे बोमणिया मालणिया गाचणिया सब बैठे बिचारिया और भी बटी बारी कुंजरवाड़ा बोईवाड़ा सब धोली बावड़ी सब अपना कॉम्प्लेक्स में आवे और कई तकलीफ नहीं पानी नहीं आई पानी के चालू नहीं की दो हल्के वो रेबिन कटेगा के कभी कटेगा आप ये बात मेरी और कई बात है रिबन नहीं कटा जो नहीं चालू की तो कदे चालू वेगा अबे और कई नहीं बस यही को अच्छा थाने अगर बहन जी बणू मैं बहन जी नहीं मान अरे यू माननो है वणनो नहीं है तो थाने 10 मु कतरा नंबर दो छोगा लाल जी ने अबे नंबर मन पातो नहीं मो भाड़ी पड़ी कोई नहीं अतरी अरे तो ही एक नंबर दो एक दो तीन गिनती तो आवे कि नहीं आवे आवे तो नंबर बताई दो कतरा नंबर देना आप बताओगे आप बताई दो बढ़िया तक नहीं है और कहीं तो ही तो ही मैं पास है बता दो नहीं पास है पास है पास है चलो पास है तो और ये बाऊजी कहीं कह रहा बाऊजी हां कैसा नेता जी ने बुलाना नेता आगा अटे जदी वो उद्घाटन लेगा बोलो बोलो अरे मु तो कहीं नहीं को कसा भी नेता के झटपट चालू कराओ के लोग परेशान हो रहा हां 18 लोग अलावा बाहर लोग भी घने लागे बापड़ा मजदूर लोग सही बात है सब ये नहीं है फटाफट ये दे फटाफट ये रहे फड़ता परे पर वो सही जुगाड़ नहीं जम रही जुगाड़ नहीं जम रही सही जुगाड़ रो जुगाड़ बगड़ जाए पर वो रिबन रो जुगाड़ नहीं वो रिबन रो जुगाड़ नहीं मालूम कोई नेता अंडुगा ही नहीं जो आज तक नेता नहीं रहा
अरे लोगों ने बापड़ा ने घनी समस्या आना रे दिन भर अरे बाथरूम में जानो पड़े आना रे मेहमान ही आवे ने गिरा था रिबन नहीं काटे हमरा लोग अरे मंडी खास अटे मंडी या तीज चौक मंडी नेट उदयपुर रो खास ना कटे अरे लोग नाग में हाल तक रिबन नहीं कट रहे नाग में हाल रिबन नहीं काटवा रो कोई नेता ही नहीं मिल रियो ना कोई नेता ही नहीं मिल रियो तबार चुनाव में मोदी जी सभा वे तो बुलाई दू अटे कई पटो भगवान जाने मोदी भगवान वो तो दिल्ली बैठो तो अटे घटे आवे वो अरे तो चुनाव में तो आएगा नहीं सभा करवा तो आवेगा वो वंडी रोटा एक बार आवेगा रोटा एक बार तो एक दान खा गई तो मोदी जी नहीं मेलो बड़ा रिबन कटाओ अबे नहीं वो तो मोटो आदमी अटे टिक्का चट्टी करवा आवेगा वो कई आवेगा अरे तो पारस सिंह भी है यार कल लगा कई तो पारस जी ने तो कही दो आई जाएगा फोन कर दो फोन के तैयार भी तो नहीं है पूरो यार हाल पूरो में तैयार है टंकी रखी थी दी चलो तो यहाँ पर लोगों का कहना है कि भाई रिबन जो भी काटने की प्रथा है आपकी वो थोड़ा फटाफट कराओ और लोगों को हमारी सुनवाई करे जल्द से जल्द हमारी सुनवाई करो कई नाम है दानो हमारा नाम है शीला भाई जल्दी जल्द सुनवाई कर जो आप तक पहुंची नहीं आपने खबर तो वाह शीला जी रो काम फटाफट बनो चावे एक दान बोल दो अरे उड़ा नाम भोगालाल जी कहीं छोगालाल जी कहीं भोगालाल जी नाम मन भी लो एक बार आया तो दूसरी बार आवा तो पता ही नहीं अरे भोगालाल जी हाँ छोगालाल जी नहीं आया तो नाम कहीं वाला रो उन्हें नाम छोगालाल जी है भोगालाल जी कहना पड़ेगा भोगालाल जी कहना पड़ेगा तो पूरे वार्ड 57 में हम लोग घूमे और घूम कर आपको दिखाने का प्रयास ये करा कि क्या समस्या है वार्ड के अंदर और पूरे वार्ड में लोगों से मुखातिब हम हुए उनसे बातचीत करी तो लोग वाकई में काफ़ी परेशानियों में यहाँ पर है कुछ लोग उनसे हालांकि खुश है पर कुछ लोग अभी भी यहाँ परेशान है और गांचीवाड़ा की जो मुख्य समस्या है कि यहाँ पर सुलभ शौचालय शायद बनकर तैयार है पर अभी भी रिबन यहाँ पर नहीं कटा है तो लोगों को उसकी समस्या निजात चाहिए तो इन सारी समस्याओं को लेकर अब हम सीधे चलते हैं पार्षद छोगालाल भोई के पास। तो नमस्कार वार्ड 57 के पार्षद छोगालाल जी भोई साहब हमारे साथ है सर। सबसे पहले तो चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। मयूर जी आपको भी नमस्कार। सर पूरे मेवाड़ के अंदर अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जनक कहा जाए तो इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं। ये पुरानी बातें हो गई यार। पर आज की तारीख में अगर वार्ड में गंदगियों के जनक भी कहा जाए तो उस बारे में कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। वार्ड में गंदगी को साफ करने वाला नगर निगम में स्वास्थ्य अधिकारी है। गंदगी साफ वैसे इतनी गंदगी जितनी आप जोर से बता रहे हो उतनी है नहीं है। समय समय पर टेम्पो जाता है और काम तो होता है। साहब टेम्पो जा रहा है टेम्पो के लिए किसी ने नहीं कहा कि टेम्पो नहीं आ रहा। टेम्पो रोज आता है। मेरे सफाई कर्मचारी भी काम करते हैं। कुछ जगह सफाई कर्मचारियों पे भी आरोप लगाया कि वो सरकारी तनख्वाह के अलावा भी लोगों से पैसे मांगते हैं। ठीक है उसके बाद हमने एक सुलभ शौचालय के पीछे पूरा एक बाड़ा बना हुआ है। वहाँ पर कचरे का ढेर लगा हुआ है। सब जने अपना कचरा मतलब वो कहते हैं कि जो टेम्परेरी कर्मचारी अब लगाते हैं जैसे कभी कोई छुट्टी पे हुआ या कुछ हुआ तो वो जितने टेम्परेरी कर्मचारी सब कचरा वहाँ फेंक के चले जाते हैं। ऐसे में पूरे वहाँ पर दुर्गंध हो रही है। टेम्परेरी कर्मचारी अच्छा ये जो सफाई कर्मचारी खुद ही वहीं फेंक देते हैं तो ये तो उस जमादार की ड्यूटी है। मैं जमादार को डांटूंगा। सफाई इंस्पेक्टर की ड्यूटी है। ये तो वार्ड का जो इंस्पेक्टर है जमादार है। अब एक बाड़ा बाड़ा रखा है सर तो उसमें को कचरा डालता है तो उसमें पार्षद क्या करे। आपको जनता ने चुना है जनता आपसे सीधे संवाद करती है तो आपकी निगरानी में सब काम करेंगे जमादार वगैरह। तो मेरी निगरानी में तो खाली बात कर सकता हूँ कि भाई मेरे वहाँ कचरा हो रहा है उसको सफाई करो जी। अब सफाई की ड्यूटी तो उसकी है फिर भी आप कहेंगे उनको। मैंने 100 बार कहा है जी। मैं जब भी वह देखता हूँ कि यह कचरा हो रहा है तो उस कचरे को फटाक से मेरे जो एक जहांगीर जमादार है जी उसको फोन कर देता हूँ और वो चला भी जाता है जी। अच्छा लोगों ने यह तक कहा कि छोगालाल जी भाई साहब यहाँ पर आते नहीं है क्या वजह है? क्योंकि जन्म इसलिए तो आपकी वही है वहीं आप खेले कूदे बड़े हुए जवानी का दौर भी वहाँ पर ही हुआ। हाँ तो वहाँ जाते तो होंगे आप फिर लोग ऐसा क्यों कहते हैं? अब कहते होंगे तो उसका मैं क्या करूँ। मैं तो जाता हूँ और जाने के बाद में भी आजकल तो फोन और व्हाट्सएप होता है। मान लो सीवरेज हमारे वार्ड में वार्ड नंबर 57 में सबसे ज्यादा जो समस्या आती है सीवरेज चौक होने की आती है जी। बार बार लोग व्हाट्सएप भेजते हैं मैं वापिस अधिकारियों के पास भेजता हूँ तो ये 3 साल तो मेरा वो सीवरेज को चौक खुलवाने में ही लग गया जी। और रोज सीवरेज वहां के खुलते हैं जी। अब हमारी नगर निगम के बाद में कहते हैं कि साहब ये तो स्मार्ट सिटी का काम है एलएनटी का काम है
तो सबसे ज्यादा दुखी अगर कोई है तो सीवरेज का पानी बाहर आ जाता है, वो गंदगी हो जाती है, लोग रपड़ते हैं। तो बताता तो हूँ मैं यार, मेरे व्हाट्सएप चेक करूँ आपके वो तो नहीं, कि कितनी कम नहीं मेरा मतलब है कि कितनी कंप्लेन है व्हाट्सएप पे आती है, कितनी मैं वापस किसी को भेजता हूँ। छुगरलाल जी भाई साहब, आपसे ये कहना है कि जब आप इतने पुराने पार्षद हैं, आप अतिक्रमण निरोधक समिति के अध्यक्ष भी हैं, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि भाई आपको इतनी बार कहना पड़ रहा है, उसके बावजूद भी काम वापस नहीं हो रहा है, तो फिर जो नए पार्षद बने उनसे तो क्या उम्मीद रखी जाए? ऐसा है, काम तो होता है यार। तुम आप एकदम ही आप कह रहे हो कुछ भी नहीं होता। अब काम ही मेरे वार्ड में, देखो एक बात बता दूं, हमारे वार्ड 57 में कोई काम होता ही नहीं, मतलब होते नहीं का मतलब कोई नया काम है ही नहीं नगर निगम का। सारा काम L&T का है, मान लो रोड का काम L&T का, सीवरेज का काम L&T का। हमारा नगर निगम का काम है खाली लाइट खराब हो तो उसको ठीक कराना, और सफाई कचरा हो तो उसको साफ कराना। इसके अलावा तो मुझे कोई क्या काम करूं मैं, आप बताओ। अच्छा, एक दो जगह हमने ऐसी देखी, आपके एक मित्र हैं शायद नारायण जी, उनकी दुकान के सामने एक गली है जहाँ पर मैं आपको शौचालय के बारे में बता रहा हूँ, बाड़ा भी है वहाँ पर। हाँ। वहाँ पर तो ये आलम है कि सिर्फ L&T वालों ने, स्मार्ट सिटी वालों ने खंभे लगा दिए, लाइट अभी तक वहाँ लगी नहीं। पूरे वार्ड के अंदर ऐसी स्थिति, कम से कम 7 खंभे हमने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे भी सर, 7 खंभे बिना लाइटों के लगे हुए मेरे 57 वार्ड में, आपके वार्ड नंबर 57 में। तो मैंने तो मेरे विद्युत समिति का अध्यक्ष है, उसको 4-5 बार कहा भी है यह बात, तो या तो उनके पास लाइटें नहीं आई होगी तो। अरे भाई साहब, लाइटें नहीं आई तो वही तो लगवानी है क्या? मैं तो ये भाई मैं तो कह सकता हूँ ना यार, विद्युत समिति के अध्यक्ष को कहता हूँ, रितेश को कहता हूँ, आपको तो मेरे व्हाट्सएप पे क्या क्या कंप्लेन मैंने लिख रखी है। सर, आपके कार्यशैली में हमारे को कोई पुख्ता हम पुलिस नहीं, हम सबूत नहीं, पर हमारा काम है कि आपके और जनता के बीच में सेतु बनने का एक प्रयास है। काम तो हो रहा, देखो मैं मेरे वार्ड में जो काम होता है वो जाता हूँ, करवाता हूँ, और नहीं जावे तो भी फोन आ जाते हैं, 2 मिनट में व्हाट्सएप आ जाते हैं। वे उनका ये कहना है, सीधा और स्पष्ट आरोप आपको बताता हूँ, उनका कहना है छोगालाल जी हमारे से बात करते हैं और 10 बार हम फोन करते हैं, 1 बार फोन उठाते हैं। इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? 10 बार फोन करने में 1 बार उठाता हूँ, वो आदमी झूठा है, चोटा है, उसके कीड़े पड़ेंगे। अरे भाई साहब, मैं कह रहा हूँ क्या, आपने कभी भी फोन किया हो तो 1 सेकंड में उठाता हूँ। बिल्कुल, कोई भी फोन करता है तो मैं तो ज्यादा ज्यादा फोन उठाता हूँ। अगर वो कहता है कि 10 बार छोगालाल को फोन करते हैं और वो नहीं उठाता तो उसके कीड़े पड़ेंगे मोटे मोटे। बात आई समझ में? कुछ छोगालाल मेरे फोन उठाने मेरे बाप क्या जा रहा है पहले तो बताओ जी, मैं क्यों नहीं फोन उठाऊ? मेरे को तो मजा आता है खुद बातें करने में जी, तो मैं तो फोन उठाता हूँ। वो चोटता है जो आपको कह रहा है कि 10 बार फोन करते और छोगालाल फोन नहीं उठाता, वो चोटता है, वो झूठला है। कौन है ऐसा? वो आज आप एपिसोड देखेंगे आप। तो वो झूठा है, मैं कह रहा हूँ चोटता है वो। अच्छा, अब एक बात बताएं कि कुछ लोगों के समस्या है कि भाई सुलभ शौचालय वहाँ बने हुए हैं, लोगों ने आपको, आपने कहा था कि भाई 10-15 साइन करा के ले आओ इसको, यहाँ से इसका निजात करवाते हैं, ठीक है। वो 50 साइन करा के लाए और उन्होंने कहा कि छोगालाल जी ने तोड़ने की जगह इसको बनवा दिया, और वहां से पानी रिस रिस के और लोगों के घरों के अंदर जा रहा है, और वो कह रहे उनको शौचालय की जरूरत नहीं है। किसको? क्योंकि वो कह रहा है सबके घरों में शौचालय है तो शौचालय की जरूरत नहीं है, वो तो मना कर रहे। मेरे को तो कोई लिख के नहीं दिया कि शौचालय हटा दो, मेरे को किसी ने लिख के नहीं दिया। और दूसरी बात, जो मेरे जो जहां हटाने की ऐसी बातें चलती है वो है छोटा बोईवाड़ा। आप छोटा बोईवाड़ा की बात कर रहे हो क्या? बड़ी होली मार्ग। हाँ, छोटा बोईवाड़ा ही कहते हैं वहां के कुछ लोग, कहते हैं साहब ये शौचालय की जरूरत नहीं है, लेकिन वो जमीन है एक समाज जो होता है बिचली गुवाड़ी पंचायत जी, वो जमीन पंचायत की है, तो पंचायत पूरी लिख के दे तो मैं तोड़वाऊं क्या यार जी? जमीन तो पंचायत की है, 4 आदमी 3 आदमी कह रहे थे, फिर भी जो लेटर है मैं तो वहां पहुंचाता हूं ना यार। पर भाई साहब, आप जिनके घरों में, आज खुद ही सोचिए, आप सुलभ शौचालय में तो कौन सा पानी आएगा? गंदगी का ही पानी आएगा। अब वो किसी के घर जाएगा तो ये तो उचित नहीं है। सुलभ शौचालय का पानी घरों में, देखो वहां ये बात सही है कि अभी भी काम चल रहा है जी, अगर आप गए हो तो अभी भी कुछ न कुछ कचरा पड़ा होगा, रेतड़ा पड़ा होगा, तो वो अभी काम हो रहा है वहां पर। जो उसके घर के पीछे, मान लो एक विकास माली है, उसके घर के पीछे अभी एक्चुअल में चेंबर फूटे फूटे हैं,
मैंने भी बात कही है, मेरे जयन को भी ले गया कर्णेश माथुर, कर्णेश माथुर है, जयन है। मैं तो कह रहा हूँ आप जाकर कर्णेश माथुर का भी इंटरव्यू लो कि वार्ड में ऐसा है, छोकालाल तो कहता है तुमको तीन बार ले गया है। जिम्मेदार जो भाई पार्षद क्या कर सकता है, उसके हाथ जोड़ सकता है ना, हाथ तोड़ तो नहीं सकता ना जी। किसी अधिकारी के तो कर्णेश माथुर को मैं मेरे वहां पे चार बार ले गया हूं। तो यानी कि मेरा तो ये कहना है कि आप उस कर्णेश माथुर का भी इंटरव्यू लो कि ये सीवरेज से क्यों परेशानी हो रही है इस वार्ड में, बार बार क्यों ये चैम्बर उफनते हैं जी। अच्छा एक सुलभ शौचालय में और तकलीफ आई, हाँ, कि पहले वहां लोहे के गेट लगे थे तो लोगों की प्राइवेसी खत्म नहीं हो रही थी, अब वहां पर फाइबर के गेट लगा दिए तो नशेड़ी कोई आते हैं जो फाइबर ने बाल दे, अब वे कहे कि मां महीने बैठा ना आर पार दिखे। अब यार को नशे फाइबर का गेट जला देता था, अब की बार कोई लगाएंगे वो पथरड़ा के लगाएंगे, पथरड़ा लगे दो भाई साहब ताकि ये दिखे नहीं बना। अब यार फाइबर को कोई जला देता था, पर क्योंकि आजकल क्या होता है, कई लोग नई चीज बताता हूं, बीड़े और सिगरेटे पीते हैं और पुराने जमाने के लोग कई सारे होते हैं ना, बीड़ी और सिगरेट नहीं पिए तो उसकी लेटरिन नहीं उतरती, आपने कभी सुना है? बिल्कुल सुना है। दो चार बीड़ी पीते हैं फिर उसको मॉइस्चर बनता है और फिर उसका सफाई होती है। तो वो कई सारे बीड़ी पीते पीते क्या करते हैं, उसका ठूंटा हो जाता है तो उस फाइबर के गोल गोल लगा देता है खाना। तो वो फाइबर जो होता है ना उसके खाना पड़ जाता होगा यार। तो आज सिगरेट है मान लो ऐसे पी रहे हो आप लेटरिन में बैठे बैठे, कई सारे पीते हैं ऐसे, सही बात है, सब नहीं पीते हैं लेकिन जाते हैं, हम तो देखते हैं कई सारे लेटरिंग में वीडियो के सिगरेटों के ठूंटे पड़ रहते हैं। अब वो आदमी सुट्टा लिया, अब देखा यार क्या करूं, तो वो उसको क्या करता है, उसको बुझाने के लिए उस फाइबर के यूं चिढ़ाता है तो वो सिगरेट का ठूंटा उससे होल हो जाता है। तो वही काने होंगे और तो क्या है यार। तो अब आपसे निवेदन है लोहे के गेट, अब की बार लोहे के गेट लगा देंगे, ठीक है। अब कुछ लोगों का कहना है कि भाई महिलाएं जो है उनका कहना है कि एक 90 साल की माता राम से मिले, वो कह रहे हैं कि उनके घर पर उनका बच्चा रोज उस सीवरेज के पानी को निकाल के और साफ करता है और मंदिर है जस्ट बगल में। आज सनातन की बात करते हैं, आप भी अयोध्या जाके हैं, सबसे पहले तो आपको चरण स्पर्श। अरे मैं आप भी गए मयूर जी, आप भी अयोध्या गए, दोनों एक दूसरे के चरण स्पर्श करते हैं, दोनों ही मीडिया वाले हैं, आप भी मीडिया वाले, मैं भी मीडिया वाला, मुझे भी शौक है, अच्छा काम होना चाहिए और मैं करवाता हूँ जी। अब कम से कम ऐसी व्यवस्था हो के भाई L&T वाले हैं तो उनमें भी कोई जिम्मेदार व्यक्ति तो होगा जिसको आप संबंधित अधिकारी को कहें और काम करें। L&T को हमारी क्या इस नगर निगम के महापौर की भी औकात नहीं है कि उसको L&T वाले को पकड़ कर उसको कस सके। तो आपको लगता है कि 18 वार्डों के पार्षद हैं जिनमें स्मार्ट सिटी काम हुआ, कारण पहले तो मेरी बात सुनो, हमारे महापौर साहब ने या जिसे जिम्मेदार है क्या L&T वाले को क्या क्या बिगाड़ लिया मेरे को बताओ। आपको मालूम है कि L&T से मेरा अकेले का वार्ड नहीं, 18 वार्ड के पार्षद दुखी है, ये कहा कि नहीं कहा, बिल्कुल 100%। तो फिर ये हमको कौन घंटेगा हुआ जब महापौर साहब भी उस L&T वाले को कुछ नहीं कह सकते, उसके जो स्मार्ट सिटी का CEO है उसको कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। अगर 4 साल में ऐसा बोला होता तो सीवरेज बंद करते हुए साफ होता यार, आज सीवरेज की समस्या नहीं आती है। तो यानी कि L&T वाले को हमारी कोई औकात ही नहीं पार्षद की कि सीवरेज L&T वाले को स्मार्ट सिटी वाले को कुछ कह सके, ये सारी औकात किसकी होती है, महापौर साहब की। हम महापौर साहब को कंप्लेन करते हैं, हम तो रोज रोज करते हैं। महापौर जी कमजोर है क्या? अरे यार अब जब चार साल से स्मार्ट सिटी का प्रत्येक पार्षद किसको कहेगा, महापौर से ही कहेगा ना, अपनी तो समस्या है। अगर स्मार्ट सिटी वालों ने वो समस्या दूर कर देती होती सीवरेज की तो नहीं कर सके, तो वो कमजोर वमजोर मैं नहीं जानता हूं। अगर नहीं कर सके सफाई 4 साल से समस्या आ रही क्या है? आ रही है। मेरे को पार्षद बने हुए 4.5 साल हो गए और ये स्मार्ट सिटी पिछले बोर्ड में थी, लेकिन सब स्मार्ट सिटी के जो अंडर के 18 वार्ड वाले हैं, मैं अकेला नहीं, सभी इस सीवरेज की समस्या से दुखी हैं। हम दुखी होकर हमारे महापौर जी से कहते हैं और महापौर जी को ही कह सकते हैं, स्मार्ट सिटी वाले तो हमारे को उसके अंदर नहीं घुसने देवे, उसके ऑफिस में हमें कैसे घुसने देगा यार। तो ये तो महापौर जी की ड्यूटी है कि 4 साल से इतने परेशानी में क्यों। तो क्या आपको लगता है कि जो 18 वार्ड के पार्षद हैं उनके साथ कहीं ना कहीं कुठाराघात हुआ है? क्योंकि
जनता तो आपको पकड़ती है, उन्होंने आपको वोट दिया था, आपको बोलेगी। और आप इतने बेबस हैं कि महापौर जी को बोल पाते पर महापौर जी कुछ कर नहीं पाते। तो यार अगर ये सीवरेज की जो चोक होने की, सीवरेज के ढक्कन ढक्कन में से पानी रिसने की, गंदगी रिसने की, ये समस्या L&T कंपनी की है और स्मार्ट सिटी की है उसके भी, और उस L&T का काम ये अगर करवा देते हैं या हो जाता है तो आज ये समस्या आप मेरे से इंटरव्यू नहीं करते कि सीवरेज का ढक्कन से रिस रिस के पानी बाहर क्यों आ रहा है जी। तो यानी कि हम लोगों ने तो कहा होगा, आप मान लो मेरे पे भी कह दो कि नहीं छोकालाल कोई काम का नहीं है, तो 18 पार्षद और भी तो है, कांग्रेस भी की है, बीजेपी भी है, उन्होंने भी कहा होगा कि हम सीवरेज से दुखी है। सही बात है। तो इस सीवरेज से L&T कंपनी से हम दुखी है, तो दुखी का काम किसका है? वन मैन आर्मी महापौर जी। हम सब ने महापौर जी से कहा, यानी कि महापौर जी की बात भी स्मार्ट सिटी वालों ने नहीं मानी, नहीं सुनी। अगर महापौर जी की बात स्मार्ट सिटी के अधिकारी सुन लेते तो ये समस्या 3 साल से आज दिन तक नहीं आती। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब हम घांचीवाड़े की तरफ आते हैं। आओ। तो घांचीवाड़े में महिलाओं ने धन्यवाद भी दिया आपको। किस बात का? अब उनके पानी आने लगा है सुबह। मैं थोड़ी धन्यवाद दूं, वो तो यार प्रशासन करता है सब अपनी कार्रवाई। यार आपको धन्यवाद दिया, मुझे धन्यवाद देने कोई? पर एक सुलभ शौचालय का उनका विषय लंबे समय से पेंडिंग है, उन्होंने कहा सुलभ शौचालय बन गया, सिर्फ फीता काटने का इंतजार है। वो फीता किससे कटवाना चाहते हैं? घांचीवाड़े कहाँ बन गया सुलभ शौचालय? घांचीवाड़े में जाए, घांची समाज की औरतें बैठती है वहाँ पीछे, वहाँ कोई सुलभ शौचालय नहीं, अभी वहाँ सुलभ शौचालय बन चुका है। अरे कहाँ, अभी तो उसका काम चल रहा है, कहाँ बढ़ गया, टूटा फूटा सब मलबा पड़ा होगा, जो काली बावड़ी ढूंढा है ना, काली बावड़ी का ढूंढा, उसमें काम चल रहा है अभी तो। यार वो तो कह रही है कि वहाँ काम हो गया है ना, वो फीता काटा वाला आया नहीं हाल तक, फीता कटाना है। फीता जो भी भाई यूँ कह दे तो कैसा फीता है बटे यार। तो वो भी उनको ये परेशानी है कि आप कभी जाके उनसे मिले ही नहीं, होली पे आवे, होली पे आवे, मानी रिकॉर्डिंग करे माने खुश कर दे, बाकी आवे नहीं, होली होली आवे, लेकिन देखो होली पाची ही रही है आ वाला। अरे भाई मारो खुद रो केबल रो ऑफिस बटे है यार, और जो भी मिलता है बात करते हैं। अब रही बात का सुलभ कॉम्प्लेक्स की, बहुत बड़ी उसमें काम चल रहा है, सारे ही जो गंद गलत वो पुराने जर्जर के अवस्था के थे, आप अभी जाना फोटो लेना जी, वो जो सुलभ कॉम्प्लेक्स है काली बावड़ी के अंदर, काली बावड़ी जो अपने भोपालवाड़ी जाते हैं वही काली बावड़ी है, उसके अंदर उसको ढूंढा बोलते हैं, वहां सारा मलबा पड़ा हुआ है, मलबे का मतलब रेतड़े भाटे कांटे फांटे ये सब, तो वो तो बन रहा है अभी, क्या अभी कहां से फीता काट लेंगे हम? आप जाना शूटिंग करना फिर बताना मेरे को, वो कब तक तैयार हो जाएगा, वो कब तक तैयार हो जाएगा, ये बात पूछना आप सत्यनारायण स्वास्थ्य अधिकारी से। बात हंसने की नहीं है जी, स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम उदयपुर सत्यनारायण शर्मा, उसने मुझे 1 साल पहले कहा था कि हम ये पुरानी जो लेटरिंग है वो तोड़ रहे हैं और आपके जल्दी बना देंगे। मैंने कहा यार परेशान हो जाएंगे आदमी, कितने टाइम में बना देगा? तो विद इन हम 4-5 महीने में बना देंगे। कितने? 4-5 महीने। 4-5 महीने में 7-10-20 लेटरिंग ही तो बनानी है। तो उससे सवाल पूछो कि ये क्यों नहीं बनी अभी तक, 1 साल हो गया इस बात को। आज तो चैनल के माध्यम से आप पूछो सत्यनारायण जी से बात। मैं क्यों पूछूं? मैं तो उसका रोज हार जोड़ता हूं, लोग परेशान है। आप पूछो कि यार ये पार्षद आरोप लगा रहा क्या गलत है सही है जी, स्वास्थ्य अधिकारी है यार, उसने मुझे कहा था कि मैं बहुत जल्दी काम करवा दूंगा और इनको तोड़ दे दो। हमने तो मना कर दिया था कि यार इतनी सारी लेटरिंग मत तोड़ो यार। सही बात है, लोग परेशान हो जाएंगे। किसी ने कहा नहीं कहा हमारे पहले अच्छी थी तोड़ दी? अरे मैं तो कह रहा है कि रोज प्रेशर बने पर इक्विपमेंट नहीं है जावरा। देखो कुछ तो ऐसा है कि जब सीवरेज लाइन पड़ गई है, अभी तो आप बोईवाड़ा के लिए तो आप खुद क्या कह रहे हो कि सबके घरों में लेटरिंग है, वहां कॉम्प्लेक्स की जरूरत नहीं है, उसको तोड़वाओ। वो वहां के एक सेकंड पॉइंट भी नोटेड। हाँ पॉइंट भी नोटेड। आपको ही कह रहे हैं वो लोग जी कि हमारे बोईवाड़े में सुलभ कॉम्प्लेक्स की जरूरत नहीं, इसको तोड़वाओ जी, तोड़वाओ। और इधर घांचीवाड़े के लोग कह रहे हैं कि ये करो। अरे भाई जब गांव के अंदर लेटरिंग है, प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी
प्रत्येक घर में पैसा देकर लेटरिन को पैसा दे रहा है, तो ये उदयपुर शहर है, स्मार्ट सिटी है। बात पूरी सुनो, जो गांची वाले लोग हैं प्रत्येक घर के सामने भी सीवरेज की पाइप छोड़ा हुआ है, जबकि मैं मना नहीं कर रहा हूं कि वो कॉम्प्लेक्स बनेगा, वहां जल्दी से जल्दी काम हो जाएगा, लेकिन अब तो यार बहुत कम लोगों की जरूरत है। एक बात मुझे बताओ। बताओ। आप बुईवाड़ा में आपने पूरा जीवन देखा हो, वहां के मकान की साइज भी आपने देखी? हाँ देखी। गांचीवाड़े में भी आपकी दुकान है, आपका ऑफिस वहां है, आपने आप सारी साइजें भी देख रखी है हो। क्या लगता है कि वहां पर बाथरूम बन सकते हैं? इतने से मकान हाँ, छोटे छोटे मकान में नहीं बन सकते। तो फिर वो उनकी तो बेसिक नीड है ना, सुलभ शौचालय। तो मैं तो मना कब कर रहा हूँ, मैंने कहा कि ये सुलभ शौचालय जिसने ये निर्माण, एक तो निर्माण समिति का काम है, स्वास्थ्य अधिकारी का काम है, क्योंकि स्वास्थ्य अधिकारी ने ही एक स्वस्थ एक कोई मिशन होता है, उसके अंदर पुरानी लेटरिंगों को तोड़ा और मेरे पास आया, मैंने उसको नाम ले रहा हूं ना मैं तो। हाँ हाँ बिल्कुल, स्वास्थ्य अधिकारी सत्यनारायण शर्मा का नाम ले रहा हूं मैं। उन्होंने कहा भाई साहब ये बहुत जल्दी बन जाएगी, आप इसको तोड़ने दो। और अब क्या हुआ, नहीं टूट, तोड़ तो दिया 2 सेकंड में, जेसीबी लगाया, अब उसका निर्माण ही नहीं हो रहा है। क्योंकि हमने ये सवाल इसलिए पूछा है क्योंकि भाई साहब पिछली बार जनता दरबार हमने लगाया था विधानसभा चुनाव में, तब भी ये समस्या थी, आज 6 महीने बाद भी वापस यही समस्या है। तो अब मैं क्या करूं, किसी का माथा तो फाड़ने से रहा यार, हाथ ही जोड़ सकता हूं मैं तो, साहब मेरे काम आज करो। आप हाथ मत जोड़ो, आप डांट लगाओ आज। मैं काम करता हूं, सत्यनारायण शर्मा को अभी फोन लगाता हूं, आप सुनो उसकी बात। चलिए लगाइए, आप लाउड स्पीकर फोन लगाइए सत्यनारायण। 1 सेकंड में लाया। तो सत्यनारायण जी शर्मा को फोन यहाँ लगाया जा रहा है। सत्यनारायण जी शर्मा अपने स्वास्थ्य अधिकारी है, मैंने उनको कहा था कि यार काम जल्दी करवाओ जी, उठा देंगे अभी, दो आपसे बात रहता हूँ, मैंने कहा कि नहीं कहा, इसलिए मेरे पे इल्जाम तो यार। भाई साहब जय श्री कृष्ण। अरे आदरणीय भाई साहब जय श्री कृष्ण। अरे अरे यार मारे कोड़े यार, 2-4 पत्रकार रह गया, काली बावड़ी वालों ढूंढो नहीं है अपने। हाँ। जो पहली आप ही लेटरिंग है थोड़ा इन पाचो क्यों जल्दी बने, आप क्योंकि 2-3 महीना में बन जाएगा, वो तो 1 साल हो गया यार। वो भैया वो तो फंड नहीं आया भैया आज तक। अरे फंड नहीं आया तो ही जेना ने क्यों तोड़ी बचे। वो दिक्कत वो अब के यार चेंज हुई की सरकार अब 15-20 दिन में रिलीज हो वाला है। नहीं तो फंड ही रिलीज नहीं हुआ तो यदि पहली किस्त तोड़ दी तो था। पत्रकार यदि मारो मातो कह रहे छोकालाल जी आप नहीं करवा रहे हो, आप नहीं करवा रहे हो, मैंने कहा यार मैंने अरे पर आप क्यों यार छोकालाल जी हम बहुत जल्दी कर देंगे, तो अभी ये हमारे पत्रकार मारो सवाल पूछे यार। नहीं अड़ी अरे अड़ी अरे अड़ा पत्रकार जो है इन न्यूज वाले अड़ो भी बात कर लो, कर ले तू भाई हो जाएगा जल्दी। भाई साहब कब तक होगा ये काम? मैं सर आपको आधे घंटे में रिपोर्ट देता हूँ, मैं अभी थोड़ा बाहर हूँ। अरे काम कब तक हो जाएगा ये बता दो ना आप तो, बस 6 महीने जल्दी जल्दी करा लूंगा यार। ठीक है भाई साहब। तो सत्यनारायण जी शर्मा साहब से हमारी बात हुई, जिन्होंने भी ये कहा कि बहुत जल्दी काम करा देंगे, और छोकालाल जी भाई साहब ने आज वाक्य में साबित करके बता दिया कि छोकालाल जी भाई साहब वाक्य में आइडल है। नहीं बात आइडल की नहीं है मयूर जी, मैं तो आप मेरे वार्ड की छोड़ो, मैं तो पूरे उदयपुर की जनसमस्या को रखता हूँ महापौर जी के सामने और काम कराता हूँ यार जी। अभी कितना जब जिम्मेदार आदमी, उन्होंने क्या कहा आपने सुन लिया, मैंने सुन लिया, अब वो भी क्या करें, स्वास्थ्य अधिकारी है, उन्होंने मेरे से कहा साहब जल्दी से जल्दी हम काम करवा देंगे, लेकिन अब काम करने वाले तो यही होते हैं ना यार। चलिए अब मुझे एक छोटी सी बात आप बता दीजिए, एक मेजर प्रश्न आपसे पूछना है कि वार्ड के अंदर जो समस्याएं हैं तमाम, आपको भी लगती होगी कुछ ना कुछ, तो आपका कोई विजन है वार्ड को लेकर? देखो यार हमारा जो बोईवाड़ा है, गांचीवाड़ा है, ये सब पुरानी छोटी छोटी पतली पतली गलियां हैं। अब विजन में, विजन तो क्या इसमें विजन लगावे यार, मतलब कोई एक ऐसा सोच कि भाई ये काम मेरे को मेरे वार्ड में कराना है, और ये आपकी सोच हो पहले वार्ड में तो क्या हो सकता है, बढ़िया काम क्या हो सकता है। एक जमाने में इस बोर्ड, ये बोर्ड जो है ना, अब इस बोर्ड की मैं क्या बात करूं क्योंकि मैं खुद उसमें पार्षद हूं, पर कुछ कमियां हो तो बताइए। अरे बहुत कमियां नहीं है इस बोर्ड, मान लो जैसे
हमारे पुराने जितने भी बोर्ड थे, नगर निगम के पुराने बोर्ड थे, चाहे रजनी जी डांगी हो, ईश्वर कुमावत हो, चंद्र सिंह जी कोठारी हो, किरण जी महेश्वरी हो, इतने बहुत बड़े बड़े पार्षद, रविंद्र श्रीमाली, सब महापौर पार्षद सभापति रहे हुए हैं। सब लोगों ने अपने अपने कार्यालय में, किसी ने समाज के नोहरे में दो चार कमरे बनवाए, कोई मंदिर था, देवरा था, तो उसकी छत डली। आपने भी देखे होंगे नगर निगम ऐसे काम करते हैं जी। तो अब मेरे इस वार्ड में, वार्ड नंबर 57, कोई बहुत बड़ा ग्राउंड तो है नहीं, बहुत बड़ा चौक भी नहीं है, छोटे छोटे मंदिर है, छोटे छोटे देवरे हैं, या समाज के छोटे छोटे नोरे हैं। तो हमने कहा कि साहब पिछले कई बोर्डों में समाज बड़े बड़े मंदिर भी बनाए, देवरे भी बनाए, मतलब को समाज के नोरे की छत भी डाली, इसमें हमारे भी कुछ कर दो। तो इस बोर्ड ने नहीं किया। तो अब मुझे लगता है कि मैं हमारे शहर विधायक ताराचंद जी जैन, उनके पास भी एक फंड होता है, तो ताराचंद जी से निवेदन करूंगा कि आदरणीय भाई साहब, मेरे यहाँ 4-5 समाजों के नोहरे बने हुए हैं, जैसे कि गांची समाज का भी अपना जगह है, मंदिर है, उसमें अच्छा करो। कार भोईवाड़ा का भी नोरा है, उसमें 1-2 कमरे विधायक फंड से करवा दो। हमारे राजभोई माली है, उसमें भी हमारे 2 नोरे हैं, तो राजभोई माली से भी कहेंगे। और बोरवाड़ी भी आती है, बोरवाड़ी से भी कुछ जो काम अच्छा होगा, क्योंकि सभी समाज के लोग होते हैं, हिंदू मुस्लिम सब मेरे वार्ड में है, तो हम विधायक जी से कहेंगे, क्योंकि विधायक तो अभी 4-5 साल है, ये निगम का बोर्ड तो जरा जरा 4 महीने और हूँ, मैं भी 4 महीने पार्षद और हूँ, लेकिन जिस आदमी को हमने विधायक बनाया, ताराचंद जी जैन को, उनको तो आजीवन हम कह सकते हैं, क्योंकि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, मेरे समाज में जाऊंगा, मेरे वार्ड में मैं पार्षद हो नहीं हूँ तो भी जाऊंगा, तो मैं विधायक मत, विधायक का जो एक मद होता है, विधायक का फंड होता है, उस विधायक फंड से मैं समाज के किसी प्रत्येक समाज, जैसे गांची समाज, भोई समाज, कार भोई समाज, बोहरा समाज, ब्राह्मणों का भी नोरा है हमारे उधर, गुजरगोड ब्राह्मण का नोरा है, तो ऐसा काम मैं ढंग से उस नोरों में करूंगा विधायक फंड से जी। तो एक आपने बिल्कुल स्पष्ट करा कि आपने आपके बताया कि आपका विजन क्या है, और आपने बताया कि भाई इस कार्यकाल में नहीं भी हो पाया तो विधायक फंड से आप उसको करवाने की कोशिश करेंगे, और कर देंगे भाई, बराबर लाखोगा विधायक कर भी देंगे, साफ सफाई वेगा बटे उन समाधान कराऊंगा। साफ सफाई वैसे है यार, आप जितना मेरे पे बंद, पर वो एक दो जगह जो मैं आपने बताया बटे साफ सफाई, कभी कभी क्या होता है यार, वैसे तो साफ सफाई क्या होता है कि घर से निकलती है, प्रत्येक घर में आदमी को अपनी थैली में गीला कचरा, सूखा कचरा, उसको लेकर उस गाड़ी में डाल देना चाहिए। अगर वो आदमी इतना जागरूक होगा कि गीला कचरा सूखा कचरा की जब गाड़ी आ रही है हमारे चौक में, उसमें हम डालने चले जाएं, तो यार समस्या ही खत्म हो जाती है। अब आप तो उसमें डालने तो नहीं जा रहे हो ना, देव बचा बच हर कहीं फेंक रहे हो, वो गलत, तो वो भी वो कर्मचारी आएगी, उसको मैं उठवाऊंगा जी। अच्छा, अब एक हमने एक राउंड खेल रहे हैं, इसमें एक गिफ्ट हैंपर आपको देंगे। गिफ्ट दोगे क्या? दोगे बताऊंगा वो, पर पहला वरने वास्ते सही सवाल, एक जवाब रो सही जवाब देना, सवाल रो सही जवाब देना पड़ेगा आपने, दे देंगे। सवाल ये है आपसे कि पार्षद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पार्षद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पार्षद ने पार्षद ही कहो, नहीं नहीं भाई साहब कहीं और कह रहे निकटे कहता, अरे केवे है भाई साहब। ऐसा है कि जब से उदयपुर, आपको मालूम है कि उदयपुर में नगर निगम है, कब बनी? हाँ बताओ, मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, नगर निगम बनी ही पिछले अपने बड़ी कार्यकाल में, कसा कार्यकाल में हो, कितना साल पहले, साल ही बता दो, 7-1 साल पहले, 7 साल पहले। और मैं आपको जानकारी देता हूँ, उदयपुर में नगर निगम आजादी से पहले बन चुकी है। किस्तर बन गई पहले तो नगर पालिका, बच्चे नगर परिषद तो नहीं देखी। अरे आपने खबर नहीं, आप उम्र छोटा मयूर जी, आप रही उदयपुर में नगर निगम अंग्रेज थे, अच्छा राजाओं का राज था, तब उदयपुर में नगर निगम बनी है। अच्छा हाँ, अब जो उसका ऑफिस कहाँ था? उसका कहाँ था? उसका ऑफिस सिटी पैलेस के ठीक सामने, जो लाइब्रेरी खाली करवाई, लाइब्रेरी थी वो नगर निगम का ऑफिस था। अच्छा हाँ, अंग्रेजों के जमाने का मामला वो। अच्छा, तो यानी कि नगर निगम सबसे पहले अंग्रेजों ने उदयपुर में बनाई, उस जमाने में भी वहां उसको पार्षद ही कहते थे।
अरे पार्षद क्यों कहे पार्षद ने अंग्रेजी में कहे है भाई साहब यार आप कहे अरे भाई मैं तो कह रहा हूँ कि जो कहते होगा उन्हें मारे के लेने देना पर आप हमेशा नई चीजें जानने मैं एक बता रहा हूँ कि जो पार्ष नगर निगम इज इंग्लिश वर्ड कहिए अरे नगर निगम कहीं भी हिंदी वर्ड ना अंग्रेजी में लिखोगा तो अंग्रेजी वर्ड वही जाएगा तो। अरे पर नगर निगम तो अंग्रेज लाए वही और कहीं वही नगर निगम नगर निगम जो जिसने भी स्थापना की अंग्रेजों को राज में स्थापना हुई नगर तो, निगम ने इंग्लिश में कहीं कहे चलो ये बताइए तो। नगर निगम ने इंग्लिश में कहीं कहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहे अरे पचास जी विनय अरे यार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तो म्युनिसिपल तो इंग्लिश वर्ड है वो हाँ तो वही कह रहे नगर निगम इंग्लिश वर्ड नहीं नगर निगम तो आपा आपने हिसाब राख ली तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मतलब अरे पार्षद ने पार्षद ही कहे पूरी दुनिया यार नहीं कहे भाई साहब यार आप होचो होचो एक दाग अरे मुंह होचो ही नहीं मारा समय क्यों खराब करूं था बता दो काउंसलर कहे काउंसलर कहे भाई ये ऐसा हुगला वर्ड मानो नहीं बोला पार्षद इज ग्रेट ग्रेट एक दान आज एक निवेदन है आपको एक दान मान ला रहे बोल दो आई एम बोलो आई एम काउंसलर ऑफ नगर निगम उदयपुर आई एम काउंसलर ऑफ नगर निगम उदयपुर यस सर काउंसलर कही के अंग्रेजी में अभी आपने कार रहे पाचे लिखाड़ो पार्षद किने के पार्षद काउंसलर ने हिंदी में पार्षद के अच्छा हिंदी वर्ड है पार्षद अच्छा एक आपने एक सस्पेंस बताऊं बताओ बताओ सरपंच ने इंग्लिश में कही के सरपंच साहब सरपंच साहब ने तो कही क्या यार कही पता अपने कि ये सरपंच इंग्लिश शब्द है सरपंच ने सरपंच जिसके है इंग्लिश में भी सर और पंच मतलब जो क्या होता है कि जो एक मेन कुर्सी पे बैठता है उसके पास पांच पंच होते हैं तो वो तो उस कुर्सी पे बैठने वाला सर और उसके पंच पांच तो उसको सरपंच कहते हैं सही बात तो वो इंग्लिश वर्ड है तो गुरु बिन ज्ञान नहीं और चेले बिन काम नहीं बहुत बहुत धन्यवाद मयूर जी तो दुनिया में चलता रहता है कही तो पार्षद छोगालाल जी भाई साहब हमारे साथ थे जिन्होंने स्पष्ट करा के वार्ड 58 में कुछ कार्य बाकी हैं और सफाई के लिए भी इन्होंने हमें वादा करा है कि बहुत ही जल्द कर्मचारी लगा के सफाई करा दी जाएगी और इन्होंने कहा है कि इनका मेन जो मकसद है वो वहाँ पर जो नोरे वहाँ पर हैं उनके अंदर भवनों के निर्माण का इनका मेन मकसद है और सभी समाजों को साथ में रखकर काम ये करना चाहते हैं और उन्होंने स्पष्ट करा कि एलएनटी के वार्ड है एलएनटी के वार्डों में काफ़ी समस्या आ रही है उसके लिए एलएनटी जिम्मेदार है महापौर साहब से भी निवेदन करेंगे छोगालाल जी की बात की तवज्जो देवे और एलएनटी के अफसरों से बात कर इन जो 18 ही पार्षदों के साथ जो कुठाराघात हो रहा है क्योंकि जनता इनसे सवाल पूछती है जनता भी इनसे पूछती है मीडिया भी इनसे पूछती है और इनके पास जवाब होता है कि एलएनटी तो आपसे भी निवेदन है कि एलएनटी के ऊपर थोड़ी सी आप नकेल अपनी कसे ताकि वे भी अपना काम ईमानदारी से अभी आपका इंटरव्यू खत्म नहीं हुआ तो नई बात और बताऊंगा आदेश करो ना भाई साहब ऐसा है कि हमारे इस बोर्ड का दुर्भाग्य नगर निगम का जी इस बोर्ड में नगर निगम का दुर्भाग्य है कि 4 साल में कम से कम 6 आयुक्त आ गए 4 साल में कितने आयुक्त आए 6 आयुक्त अंकित कुमार सेवागन ये वागन बारट न पचे मालावत न पाचो एक बार मालावत परोगे तो दूसरो आयो वो परोगे तो पाचो मालावत आयो अबार पचे एक राम प्रसाद जी आया यानी कि 4 साल में 6 आयुक्त आ गए अगर एक या दो ही आयुक्त रहते तो हमारे महापौर जाप भी उसके ढंग से पकड़ कर सकते आयुक्त आया आयुक्त गया अभी कई कांदा काम में गई काम कर आज स्मार्ट सिटी का कोई बात सुनेगा ना ढंग से तो जो आईएएस अधिकारी है उदयपुर में नगर निगम का जो आयुक्त होते हैं वो आईएएस अधिकारी होते हैं जी। एक आईएएस स्मार्ट सिटी के आईएएस के पास जाएगा तो ढंग से वो तवज्जो देगा ठीक है तो हमारा दुर्भाग्य किसका उदयपुर वासी हम पार्षदों का हम पार्षदों का हमारी नगर निगम का दुर्भाग्य कि 4 साल में 6 आयुक्त बदले अगर एक ही आयुक्त 2-2 साल तक भी टिका रहता तो हम उससे काम करते अब हम उस आयुक्त को समझे जब तक तो उसका ट्रांसफर हो जाता है फिर कोई नया आता है फिर उसके हम हाथा जोड़ते करते हैं उसके माला पहनाते हैं साफ 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 तो जाए साफ फजत जाए तो अबे यार काम जो करवाएगा कोई ढंग की समस्या लिखेगा मान लो हमारे यहां से नहीं हो सक रही है वो जिला कलेक्टर का सहयोग चाहिए राजस्थान सरकार का सहयोग चाहिए तो वो सहयोग अगर कोई आयुक्त टिक के काम करेगा तो सरकार पता नहीं पिछले बोर्ड तो सारी राजस्थान के कांग्रेस की सरकार थी
और ये सब चार बार आयुक्त कांग्रेस ने किए, कांग्रेस की सरकार ने किए। पता नहीं कांग्रेस की सरकार ने चार बार आयुक्त, मतलब हर छह महीने में एक आयुक्त चेंज, क्यों? वाय वाय कांग्रेस वालों, वाय जोगालाल जी आस्किंग वाय। तो जोगालाल जी भाई साहब से हमारी विशेष मुलाकात थी, इन्होंने स्पष्ट करा कि वार्ड के अंदर कुछ काम अभी शेष है जिन्हें कराना बाकी है। इनका मेन मकसद समाज के जो नोरे हैं उनमें भवन निर्माण का कार्य का इनका मकसद है। स्मार्ट सिटी के अंदर जो काम हो रहा है एलएनटी के कामों से, ये भी एक त्रस्त पार्षद है, 18 पार्षदों की तरह ये भी एक त्रस्त पार्षद है। इन्होंने कहा है कि महापौर जी अगर दखल देंगे और नकेल अच्छी तरह कसे तो एलएनटी वालों से निजात पार्षदों और शहरवासियों को मिल सकता है। तो पूरी वार्ड से आपको मुखातिब कराया, तमाम लोगों से आपको मिलाने की कोशिश करी, जनता ने क्या नंबर दिए वो आप जानते हैं। आप अपने आप को कितने नंबर देंगे सर, 10 में से? देखो मयूर जी, कुछ जबकि मैंने कह दिया कि हम तो पुरानी स्मार्ट सिटी अंदर के वार्डों में है, फिर भी मैं अपने प्रयास, मैं सिर्फ अपने वार्ड के लिए नहीं करता हूँ। वार्ड में तो 2 मिनट का काम है मेरा यार, वार्ड में है क्या? लाइटें लगवाना, सफाई करवाना, बाकी तो सब काम ऑटोमेटिक होता है। एलएनटी ने सड़कें बना दी, सीवरेज बना दी, वो बना दी। मैं तो सिर्फ मेरे वार्ड का काम छोड़कर उदयपुर की कई सारी समस्या उठाता हूँ। मान लो जैसे कि जितने अतिक्रमण समिति का निरोधक समिति का अध्यक्ष भी हूँ, बोरा गणेश जिसका रोड चौड़ा करवाया, देखो चौराया, मान लो मैं वहाँ पर रेलवे स्टेशन के सामने भी कर रहा हूँ। तो मैं खाली सब काम करता हूँ भाई साहब, मेरी बहुत इच्छा है कि काम अच्छा होना चाहिए। पार्षद भी इसलिए बना, पार्षद भी मैं जबरदस्ती बना मैं, अच्छा हाँ पार्टी वालों का मैं पार्षद तो बनूं और मेरे को बनाओ, बनाना पड़ेगा तब जाकर मुझे पार्षद का टिकट दिया बीजेपी ने। अच्छा। और मैं जीता, और जीत कर मतलब मेरे में एक वो उन्हें हुक हुकी उठी थी कि मैं बहुत अच्छा काम करूंगा जी। आदमी को एक होता है यार ये काम रहेगी अन्य करना, हम ऐसा काम करेंगे, मेरे भी बहुत दिमाग है, दिमाग है, मैं भी अच्छा करूंगा। तो अच्छा इसलिए तो मैं पार्षद बना यार। तो पार्षद बन के देखो आपके सामने मैं बार बार क्या तारीफ करूं, अतिक्रमण हटवा रहा हूं। नहीं आपने जो प्रयास करे उसके लिए आपका साधुवाद भी है, पर अभी भी एक आपसे निवेदन है, कटिबद्ध निवेदन है कि देखो तुम्हारे घाट हमें है। अरे बिल्कुल, आप अभी स्वास्थ्य अधिकारी से बात कर रही है आपकी, बिल्कुल आपने काम सफाई करने वाला तो स्वास्थ्य अधिकारी जिम्मेदार उसके कल और मैं ढंग से बारह तो नहीं बजाता हूँ, मैं किसी की बारह नहीं बजाता हूँ। मैं उनसे हाथ जोड़ूंगा कि सत्यनारायण जी भाई साहब मेरे वार्ड की बार बार ये कंप्लेन लेके आ रहे हैं, आप ठीक करो। चलिए तो मुझे एक निवेदन है आपसे कि तमाम बहुत से लोग त्योहारों पर बार स्टॉल लगाते हैं। हाँ। अभी भी कुछ लोग की फरियाद भी आती है, वो कहते हैं कि यार भाई साहब स्टॉल लगाते हैं नगर निगम कर, तो आपसे भी निवेदन है चैनल के माध्यम से भी कि त्योहारों पर तो कम से कम उन्हें रियायत दी जाए, और ऐसी आपसे भी उम्मीद करते हैं। पहली बात तो त्योहार आता है, तो हर त्योहार पर आदमी अपने पास जा, मान लो कोई गुलाल बेच रहा है, कोई रंग बेच रहा है, कोई होली जलाने के लिए कई सारे पूजा सामग्री बेच रहा है, तो वो तो लटकाएगा, दिखेगा जब उसके ग्राहक आएगा क्या, तो वो उसको लटकाने का अधिकार है जी। मैं मेरे निगम वालों से कह दूंगा कि जाना मत अतिक्रमण वालों जी इन त्योहारों पर, क्योंकि त्योहार पर मान लो कई सारी होली की पूजा सामग्री है, दुकानदार है, वो अपने सामान लटकाएगा जब दिखेगा कि यार ये होली पूजन के सामग्री है, होली की चुनरी है, होली की लकड़ी है, तो वो उनको नगर निगम को नहीं छेड़ना चाहिए उनको। और मैं पर्सनल महापौर जी से भी कह दूंगा और मेरे जो अतिक्रमण हटाने जाते हैं उनको भी कह दूंगा कि तुम त्योहार मनाने दो शांति से जी। तो मैं आपके साथ हूँ। तो वार्ड 57 के पार्षद छोगालाल जी बोई से हमारी विशेष मुलाकात थी, कैमरामैन विनय श्रीमाली के साथ मैं मयूर अलवेला, जय हिंद, जय भारत, जय मेवा। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी।